नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः भक्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी मानो देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सब लोगों का स्वागत है। आज हम वृंदावन के बचे हुए कुछ स्थानों का दर्शन करेंगे। इसके पहले मुझे एक आपको वृंदावन के विषय में बात बतानी है। मेरे बड़े भाई एक बार अपने कुटुंब के साथ वृंदावन चले गए और उनके साथ में कोई भक्त नहीं था या कोई पहचान का व्यक्ति नहीं। उनको मैंने पहले भी बहुत बार बताया था कि वृंदावन में कभी अकेले में जाए किसी जानकार व्यक्ति के साथ या किसी भक्त के साथ जाएगा, फिर भी नहीं माना, अकेले गए। एक मंदिर में गए, पता नहीं कौन से मंदिर में गए, उनको चार पांच पंडाओं ने घेर लिया और एक बोल रहा है गाय के लिए दान दो, एक बोल रहा है भगवान के भोजन के लिए दान दो, एक के बोल रहा है श्रृंगार के लिए दान दो, एक के बोल रहा है मरम्मत मंदिर की चल रही उसको दान दो। तो इस तरह से उनको कॉर्नर किया कि जितने पैसे जेब में और उसके बाद कभी भी वृंदावन नहीं आए। तभी मैं आने के वेले सवेरे गुरु महाराज का प्रवचन सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि कभी भी वृंदावन धाम में अकेले जाना नहीं चाहिए, उसके कई नियम हैं। क्योंकि जैसे समझो कोई होली जल रही है
तो उसके आप बहुत पास जाएंगे तो आपको चटका लगेगा या जल भी सकते हैं, और बहुत दूर रहेंगे तो उसकी गर्मी आपको लगेगी, ठंड लगेगी। तो एक पर्याप्त अंतर रखने के पश्चात जो तो होली की अग्नि है, आँच है, उसका सही लाभ आपको मिल सकता है, और उसके लिए गाइडेंस की जरूरत है। उसी प्रकार से वृंदावन धाम है। एक नंबर की बात यह है कि वृंदावन धाम में कभी भी जाना है बिना पर्पस के, मतलब कोई सेवा नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई पर्पस नहीं है। तो शास्त्र में लिखा है कि केवल 3 दिन ही वहां पर रहना चाहिए, और 3 दिन में जो दर्शन मिला वो लेकर घर चले जाना चाहिए। और अगर लंबे समय रहना है तो भक्तों के और संतों के साथ जाना चाहिए, या वहां जाकर वहां के संतों का आश्रय लेकर उनके सहारे दर्शन के लिए जाना चाहिए, यानी लोकल लोगों के संग में जाना चाहिए। और अगर बहुत लंबे समय रहना है या किसी को परमानेंट रहना है तो गुरु जी की आज्ञा के बिना वहां रहना नहीं चाहिए। कोई ठोस सेवा मिले बिना वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, ये वृंदावन धाम का नियम। क्योंकि हमारे आचार्य हमको बताते हैं कि जब कृष्ण थे तभी वहां पर कंस था। कृष्ण का आतंक, कंस का आतंक कब शुरू हुआ बताइए? जब से कृष्ण वहां पर आए कंस का आतंक शुरू हो गया, तब तक कंस का वृंदावन में कोई आतंक नहीं था। वो अपना अपना मथुरा में था, जो भी उसका काम मथुरा में चल रहा है, जो भी दिग्विजय किया वो मथुरा के बाहर किया। इसका मतलब क्या हुआ? जहां कृष्ण रहते हैं वही माया रहती है। कृष्ण बहिर्मुख जीव, कृष्ण भूलिया जीव, कृष्णा बहिर्मुख जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे छपटिया दौरे। अगर आपके सामने कृष्ण है और आपके सामने भोग है, और कृष्ण को छोड़कर अगर आप भोग के पीछे भागते हैं तो जो बाजू में खड़ी माया है वो निकटस्थ माया झपट के आपको पकड़ती है, जितनी बंबई में नहीं पकड़ती है, सूरत में नहीं पकड़ती। इसलिए जहां कृष्ण है वहां कृष्ण के ही शरण में जाना चाहिए, और जहां कृष्ण है वहां कृष्ण को छोड़कर अगर किसी और चीज के शरण में भोग लेने के लिए प्रयास करेंगे तो फिर बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इसलिए आप जब भी वृंदावन जाएंगे भक्तों के साथ जाना, भक्तों के छत्र छाया में जाना, भक्तों के संरक्षण में जाना। और संरक्षण दो प्रकार के होते हैं, एक आध्यात्मिक संरक्षण, दैवी संरक्षण, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन, और एक भौतिक प्रोटेक्शन, ताकि आपको कोई बंदर न काटे, कोई धन कोई लूट में लेके जाए, कोई चोर उचक आपको पॉकेट में मारे। क्योंकि तो धाम में जैसे भक्त आते हैं वहां पर चोर भी आ गए, उचक के भी आ जाते हैं, पिक पॉकेट भी आ जाते हैं, लुटेरे भी आ जाते हैं, फंसाने वाले भी आ जाते हैं। क्योंकि तो सब वहां पर लोकल लोग कम रहते हैं, बाहर के लोग ज्यादा रहते हैं, सब लोग आ जाते हैं। जब कुंभ मेला लगता है तो 3 करोड़ लोग वहां पहुंचते हैं, उसमें कम से कम कहते हैं 25 लाख चोर होते हैं। 3 करोड़ लोग आ रहे हैं पैसा लेके, तो उनको मौके मारना है, साल भर की 3 साल में 12 साल में कमाई पूरी कर लेनी है। मैं अभी 1986 के दिसंबर में सबसे पहले वृंदावन गया, और अभी कितने साल हो गए उसको, 36 साल के ऊपर हो गए। एक बार में ठगा नहीं गया, एक बार भी ठगा नहीं गया। क्यों? क्योंकि तो कभी मैं भक्तों के अलावा वृंदावन में गया ही नहीं, भले वो 4-5 हो, 4-500 हो या 5,000 हो, हर प्रकार के गैदरिंग में गया हूँ, लेकिन भक्तों के संगति में गया हूँ या अन्य कभी भक्तों की संगति के बिना यात्रा में गया हूँ, यात्रा के बिना कभी गया हूँ, तो वहां पर जो हमारा अस्पताल है भक्ति वेदांत आई हॉस्पिटल बरसाना, या भक्ति वेदांत हॉस्पिस टर्मिनल केयर, उसमें गया हूँ। और वो क्या है, वो गुरु जी ने दी हुई सेवा है। तो हम वृंदावन धाम में संरक्षित कब रहते हैं? जब हम या तो भक्तों के संग में रहते हैं या तो गुरु जी की आज्ञा पालन करने में उस संरक्षण में जाते हैं, तो माया फिर हमें त्रस्त नहीं करती। तो माया का त्रस्त करने का मतलब क्या है? माया आपको वृंदावन से भगाना चाहती है, और आप और भक्त लोग आपको कृष्ण के चरणों में वृंदावन में रखना चाहते हैं। तो ये दोनों का युद्ध चल रहा है हमेशा, कृष्ण भावना और माया का युद्ध चलता है कॉन्स्टेंटली। तो जो व्यक्ति कृष्ण और भक्तों के चरणों को पकड़ जाता है तो वो वृंदावन में रहते हैं, माया उनको छू नहीं सकती। कृष्ण सूर्य समा माया होय अंधकार, जहां कृष्ण तहां नाई
माया अधिकार, जहां कृष्ण का सहारा है वह माया का कोई अधिकार नहीं। जब हमारा कृष्ण का सहारा छूट जाता है या कृष्ण का सहारा हम जो पकड़ रहे हैं वो ढीला पकड़ रहे हैं, हमारी पकड़ ढीले हो जाती है, तो तुरंत आपको माया पकड़। जैसे देखो ये ग्लास है, देखो जरा इसको, ये ग्लास है ना, इसके अंदर आधा जल है आधा पानी। अगर मैं आधा पानी पी जाऊंगा तो ग्लास में क्या बचेगा? हवा। जितना पानी रहेगा उतना पानी है, लेकिन बाकी खाली जगह पर पूरी हवा भरी हुई है। जब मैं पानी पी लेता हूँ तो हवा को बुलाना नहीं पड़ता, अरे जगह खाली हो गई हवा आ जाओ, वो तुरंत आ जाती है। तो पानी कृष्ण जैसा है, जब तक वहां पर कृष्ण है हवा नहीं आ रही अंदर माया। तो जैसे ही पानी कृष्ण चला जाता है तुरंत हवा आकर बैठ जाती है, कोई ना कोई एक बैठने वाला है वहां पर, कृष्ण बैठेंगे या तो माया बैठेगी। आप किसको बिठाना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो एक बात हुई, गुरु महाराज भी बताते, संत लोग बताते हैं कि जब वृंदावन में रहते हो हमेशा वृंदावन धाम के और वृंदावन धाम के वासियों के भक्तों की सेवा में लगे रहो, फ्री मत रहो। क्योंकि वृंदावन धाम की जो यात्रा है वो कोई पिकनिक नहीं है, वहां पर हम लोग साइट सीन के लिए नहीं जा रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर साइट सीन, वी आर गोइंग टू सी कृष्णा, कृष्ण भगवान को और कृष्ण भगवान से संबंधित जो तीर्थ स्थान है, लीला स्थलिया है, उसका दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक क्या कहते हैं उसको, सावधानी बरतना बहुत जरूरी, वो ये है कि वृंदावन धाम में धामवासी रहते हैं। अब ये धामवासी कौन है? तीन प्रकार, चार प्रकार के धामवासी होते हैं। एक प्रकार के धामवासी वो है जो अनंत जन्मों के पुण्य के पश्चात राधा और कृष्ण को प्रसन्न करने के पश्चात उनको राधा और कृष्ण वृंदावन धाम में ही जन्म लेते, बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन, यहाँ पर भी हो तो वही जन्म लेते हैं, वही वो बड़े होते हैं, उनके कल्चर में बढ़ते। दूसरे धामवासी है जो हमारे आप जैसे हैं, लेकिन यहाँ पर जन्म हुआ है सूरत में, मुंबई में, दिल्ली में, मद्रास में, और किसी समय प्रेरणा हुई तो सब कुछ यहाँ का वाइंड अप करके वहां पर घर लेके आए, वहीं बस जाते परमानेंट ट्रेनिंग गुरु जी की आज्ञा से। ऐसे नहीं कि अपने मन मर्जी निकल गए, अच्छा लगता है, गुरु जी की आज्ञा की कृपा होनी चाहिए। तो वो दूसरे प्रकार के ब्रजवासी। तीसरे प्रकार के ब्रजवासी वो है जो 7 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 15 दिन के लिए यात्रा करते हैं, कार्तिक महीने की कभी कभी 30 दिन की यात्रा करते हैं, कार्तिक वास करते हैं, कार्तिक व्रत करते हैं। अगर आप 5 मिनट भी वृंदावन में रहे तो भी आप 5 मिनट के लिए ब्रजवासी। ब्रजवासी का मतलब क्या है? जो ब्रज का वास कर रहा है, चाहे वो 5 मिनट का हो, 5 दिन का हो, 5 महीने का हो। और चौथा प्रकार का जो ब्रजवासी है वो, तो सब लोग ध्यान से सुनिए, जो आप सब लोग जहां कहीं भी रहे ब्रजवासी के रूप में रह सकते, वो कौन है? जो वृंदावन में कई बार जा चुके हैं और जब भी वृंदावन में थे तब वो वृंदावन में ऐसे आत्मा के स्तर पर रहे, शरीर के स्तर पर नहीं, सर्दी गर्मी, अच्छा होटल बुरा होटल, अच्छा आश्रम खराब आश्रम, सेवा नहीं सेवा, इस तरह से नहीं, आत्मा के स्तर पर, दिव्य स्तर पर उन्होंने वृंदावन का सेवन किया, संतों के संगति में, संतों के आशीर्वाद में, उनके छत्र छाया में, उनकी सुरक्षा में। और कहते ना इंग्लिश में, कहते ना, दे हैव सोक्ड देमसेल्व्स इन द रस ऑफ वृंदावन, वृंदावन में रस में अपने आप को उन्होंने घोल दिया, तन मन धन से, देह मन और आत्मा के, देह मन और आत्मा के साथ। इसका मतलब जितना समय, जितने क्षण, मिनट, घंटे, दिन, महीने, हफ्ते वृंदावन में रहे, वृंदावन को उन्होंने ग्रहण किया पूरा हृदय के साथ, एब्सॉर्ब्ड कंप्लीटली। और फिर जहां कहीं भी जाते हैं तो वृंदावन का ही याद रखते हैं, वृंदावन के बारे में विचार करते हैं, चिंतन वृंदावन का रहता है, मन वृंदावन में रहता है। तो वो चौथे प्रकार के ब्रजवासी जो है ना, आप सब लोग हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक बार वृंदावन जाना होगा। और जिस प्रकार से हमने आपको अभी गाइडेंस दिया, मार्गदर्शन दिया, उस प्रकार से वृंदावन में निवास करना होगा। और हर पल हर क्षण, जैसे आपने, मैंने पहले दिन बताया था आपको कि वृंदावन में रहने को मिलने वाला हर क्षण बहुत ही पवित्र और बहुत ही मूल्यवान है।
उसमें कहीं मन को यहाँ वहां भटकने को देना नहीं चाहिए। कोई कह रहा है वो रंगतलाश मंदिर के पास में एक बहुत बढ़िया दूध वाला है, वो गोल गोल घूम के दूध को फेंकता है, उसका दूध का स्वाद पूरे वृंदावन में कहीं नहीं है। अरे हम पूरे वृंदावन में 8 दिन से गए, वहां गए नहीं दूध पीने के लिए। एक प्रकार का मोह है। केवल राधा रमन मंदिर के पीछे जो लस्सी वाला है ना, उसके केसर लस्सी आप पिएंगे तो आप धन्य हो जाएंगे, वृंदावन की यात्रा सफल हो जाएगी। कुछ लोग बोलेंगे बाकी प्यारे के पास जो टिक्की और लस्सी मिलती है उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो चौथा आदमी कहेगा रोई बाजार नहीं गया, अरे वृंदावन में भक्ति के विषय में कितनी अच्छी चीजें मिलती है, अच्छी घंटी मिलती है, अच्छी धोती मिलती है, अच्छा पूजा का सामान मिलता है, वो सामान दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। रोई बाजार वर्ल्ड फेमस है, वर्ल्ड मैप पे आया हुआ। इसका मतलब क्या है, भगवान को केंद्रित स्थान में रखकर यात्रा करने के लिए गए थे, लेकिन फिर लस्सी और रोई बाजार और यहाँ वहां भटक, उस तरह से नहीं, पूरी तरह से गुरु जी के साथ, गुरु जी के भक्तों के साथ, वृंदावन के वासियों के साथ, उनके छत्र छाया में हम वृंदावन का आस्वादन कर लें, तो वो व्यक्ति उसके हृदय में वृंदावन बस जाता है। यहां तक ऐसे कहेंगे इन अदर वर्ड्स कि वो वृंदावन को हृदय में बसा लेता है अपने निवास के समय पर, और फिर वो बसे हुए वृंदावन के चिंतन में मुंबई, सूरत, दिल्ली, मद्रास सब जगह पर रहता है। हमारे प्रभुपाद जी ऐसे ब्रजवासी थे, वो इस तरह से वृंदावन का वास किया। उन्होंने जब ग्रंथ लेखन करते थे गुरु जी की आज्ञा के अनुसार, राधा दामोदर मंदिर के जो गोस्वामी थे वो दोपहर का उनका लंच उनका प्लेट में लाकर रखते थे राजभोग प्रसादों में, लेकिन वो लिखने में इतने मस्त मग्न रहा करते थे कि रात को 8:30 बजे के बाद जब उनका ध्यान छूटता था लिखान लेखन का, तब दरवाजा खोलते थे तो दोपहर का प्रसाद वहां उनको मिलता। फिर जाकर राधा दामोदर मंदिर के पटांगण में झाड़ू लगाकर, रूप गोस्वामी के समाधि में झाड़ू लगाकर, इसके पश्चात आंखों में आंसू लेकर आकर भोजन करते। इस तरह से जिन्होंने वृंदावन का ग्रहण किया, वो जहां जहां गए लोगों को वृंदावन की अनुभूति हुई, केवल उनके होने से, उनके सान्निध्य में लोगों को वृंदावन का अनुभव हुआ और वो वृंदावन के प्रति आकर्षित हुए, और प्रभुपाद जी उनको लेकर फिर शरीर से वृंदावन में लेके आए, और वो भी तन मन धन से ब्रजवासी बने। ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि वृंदावन का थामवास कैसे करना चाहिए। एक साइड सीन के भाव से वृंदावन का वास नहीं करना चाहिए। अरे हमने वो नहीं देखा, अरे हमने वो नहीं देखा, अरे जगन्नाथ जी में वोटिंग नहीं किया, इस प्रकार का भाव रख के वृंदावन में जाना चाहिए, जाना नहीं चाहिए। वृंदावन के स्थलों का सुख लेने के लिए जाना नहीं चाहिए, वृंदावन के स्थलों की सेवा करने के लिए मन में सेवा भाव रखकर जाना चाहिए, क्योंकि सेवा भाव ही वृंदावन धाम के एंट्री का पासवर्ड है। अगर सेवा भाव नहीं रहेगा, भोग भाव रहेगा, पिकनिक भाव रहेगा, साइट सीइंग भाव रहेगा, तो वृंदावन में एंट्री नहीं मिलेगी। तो मैं ये कह रहा था कि चार टाइप के ब्रजवासी, और चारों टाइप के जो ब्रजवासी होते हैं वो भगवान को प्रिय, उसमें दर्जा ऊपर नीचा है, चौथा दर्जा सबसे श्रेष्ठ दर्जा है, जहां कहीं भी रहे ब्रज में गए रहे। लेकिन चारों प्रकार के ब्रजवासियों का हम अपराध नहीं कर सकते। तो क्यों कहा गया है कि आपको अकेले जाना नहीं चाहिए, क्योंकि अकेले जाएंगे तो किसी रिक्शा वाले से झगड़ा करेंगे, किसी गोलगप्पे वाले से झगड़ा करके बैठेंगे, किसी वाद विवाद होगा आपका, किसी झिकझिक हो जाएगी, कोई पंडा आपको हैरेस कर रहा था उसको उल्टा सीधा बोलेंगे आप, कभी कोई मारपीट भी हो जाएगी अगर आपको संभालने वाला कोई नहीं है वहां पर, क्योंकि ब्रजवासी अपराध जो है वो बहुत जघन्य अपराध। जैसे अगर मैं आपके आपके घर पे आ गया और आपसे मैंने बहुत प्रेम से व्यवहार किया, आपको गिफ्ट दिया मैंने, आपसे मधुर वचन बोले, आपकी सराहना की, आपकी तारीफ की मैंने, और जाते जाते आपका बालक भाग भाग के आया, उसके हाथ में तो शरबत का ग्लास था, जब भाग के आप दौड़ के आया, धक्का लगा और पूरा शरबत ग्लास आपके अच्छे कपड़े पर गिर गया, तो आपने झट से एक तमाचा मार दिया उसको, तो मालिक क्या कहेगा, अरे मुझे इतना प्रेम से गिफ्ट दिया, इतनी अच्छी अच्छी बातें की, वो सब गिफ्ट में आपका खिड़की से बाहर फेंक देगा, आपको दो तमाचा लगाएगा, क्यों मेरे बच्चे को मारा। और वैसे ही उल्टा अगर आप आएंगे, सबसे पहले बच्चे को चुम्मा देंगे, उसको चॉकलेट देंगे, उसको गिफ्ट देंगे, उसको बहुत प्रसन्न करेंगे, और वो चाचा चाचा करके आपके गोद में आएगा, और आपने मालिक के लिए कुछ नहीं किया, फिर भी मालिक आपसे प्रसन्न रहेगा।
क्योंकि मालिक के प्रिय वस्तु को आपने जब प्रेम दिखाया तो मालिक का भी प्रेम आपने हासिल कर लिया। तो मालिक को बहुत प्रेम दिया और मालिक के प्रिय वस्तु को दुख दिया, प्रिय व्यक्ति को दुख दिया, तो उसको सराहना किया हुआ सारा काम बेकार है। उसी तरह से ब्रजवासी भगवान को बड़े प्रिय होते हैं। ब्रजवासी मोहे सदा वल्लभ, मेरे जीवन प्राण इन्हें बिसराऊं मोहे नंद बाबा की आन। ऐसे उद्धव जी को भगवान कृष्ण ने कहा था, ये ब्रजवासी मेरे जीवन प्राण है, मेरे पिताजी की मुझे सौगंध है कि मुझे ब्रजवासियों के अलावा और कोई अन्य पसंद नहीं है या प्रिय नहीं है, उनसे अधिक कोई प्रिय नहीं, भक्त मेरा प्रिय है लेकिन ब्रजवासी से अधिक मेरा कोई भक्त दुनिया में प्रिय नहीं। तो यह समझना हमें बहुत जरूरी है। तो आप लोग कभी वृंदावन की यात्रा करेंगे तो भक्तों के साथ यात्रा कीजिए, और कभी वहां पर रिक्शा वाले का, ठेले वाले का, किसी चपरासी का, किसी वॉचमैन का कभी कुछ अपराध मत करना, ये समझ करके मैं तो बड़ा पढ़ा लिखा अमीर आदमी हूँ, तो फटीचर आदमी है, अनपढ़ लिखाई पढ़ रहा है, क्या बदतमीज करता है, अपने आपको क्या समझता है। वे रही बात पंडा होगी, वो तो पंडा बहुत हैरस करते वहां पर, दे दो दे दो दे दो, मुंबई से आए हैं, क्यों आए हैं यहाँ पर, मुंबई से आके क्या फायदा है, इतने पढ़े लिखे हैं, ऐसे कुछ कुछ ऐसा बोलते हैं कि आपको बहुत गुस्सा आ जाएगा। तो संत लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में, क्योंकि वो सबको परेशान करते हैं, ऐसा नहीं कि खाली जो मुंबई से सूरत से आया आदमी उसको देख के परेशान, जो भी आता है उसको पकड़ दे। तो संत लोग कहते हैं कि वो आपके सहन शक्ति की परीक्षा ले रहे, आपको भगवत भगवान के लिए दान देने के लिए मजबूर कर रहे हैं, आपका धन भगवान के दान के लिए, ये सही आपको याद दिला रहे हैं, और आपकी सहन शक्ति का अंत देख रहे हो, और आप मन को शांत रखते हुए जितना भी हो सके उतना देंगे तो चले जाएंगे बिना कुछ कहे, बिना कुछ उल्टा सीधा बोले। तो उसके लिए भक्तों का सहारा जरूरी है, क्योंकि मेरी माँ को मैं लेके गया था एक बार, मैं तो कई बार जा चुका हूँ, सबको पहचानता हूँ, पंडा मुझे पहचानते हैं, तो मेरी माँ को घेर लिया उन्होंने, चार महीने पहचान के पंडा माँ को घेर के कोने में पैसा मांग रहे हैं। अरे मैंने कहा अरे मेरी मैया है वो, जानते हैं ना मुझे आप, तो तुम्हारी मैया है तो क्या हुआ, उनसे लेना हमारा फर्ज है। कैसे भी करके मुश्किल से मैंने हाथ पाव पकड़ कर उनके मैया को छुड़ाया और मैया के जेब से कुछ ना कुछ दिलाया उनको। अरे इतने दे रहे हो, इतने दूर से आए हो, इतने दे रहे हो, क्या गिर गया अल्लाह तो अपने पास। तो ये सब संकट ब्रज में आते, लेकिन भक्तों के सहारे में सब संकट जो है वो टल जाते। अभी आज के ये स्लाइड को ना दिखाने के पहले मैं आपको एक सुंदर, जो मेरे पास स्लाइड नहीं है, उसकी कहानी बताना चाहता हूँ। वो ये है कि वृंदावन में ये जो प्रमुख प्रमुख स्थान है उनके हमारे पास फोटो है, लेकिन ऐसे ऐसे स्थान वृंदावन में है कि वहां पर फोटो निकालने का अलाउड भी नहीं है, और बहुत अंदर अंदर है, वहां पर कोई पहुंचता भी नहीं, लेकिन जो बहुत रसिक भक्त होते हैं वृंदावन के वो वहां पहुंचते हैं, तो वहां पर कुछ व्यवस्था करके फोटो निकाल के अपनी किताब में डाल देते। तो एक स्थान है पिशिमा के गौर निताई। पिशिमा का मतलब क्या होता है, दीदी, बंगाल में पिशिमा मतलब बड़ी दीदी, बड़ी बहन। तो आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ बैकग्राउंड, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है और वो राधा रानी का भाव लेकर गौर वर्ण लेकर श्री वृंदावन धाम में उन्होंने अवतार लिया, वृंदावन धाम में पृथ्वी तल पर अवतार लिया, मायापुर में अवतार लिया, नवद्वीप में 24 साल रहे, फिर 6 साल भ्रमण में रहे, फिर अगले 18 साल जो जगन्नाथ जी रहे, बीच में वृंदावन में भी आए 2 महीने। तो इनके साथ साथ चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ भगवान के जितने अवतार हुए हैं, पहले नरसिंह भगवान के, प्रभु रामचंद्र के, वराह देव के, आप बोल गिनते जाइए, ये सभी अवतारों के सभी भक्त उन्होंने यहाँ पर अवतार लिया। ये तो क्या होता है, जब नरसिंह भगवान आते हैं तो प्रहलाद और प्रहलाद के जो पार्षद हैं वही केवल जन्म लेते हैं, नरसिंह भगवान का अवतार है उनकी सेवा करने। जैसे मैं आया तो मेरे फ्रेंड, मेरे जो इर्द गिर्द है वो आ जाते, और कोई अगर लाल गोविंद प्रभु आ गए तो उनका पार्षद गण यहाँ पर आ जाते। वैसे प्रभु रामचंद्र के समय उनके भक्त आते हैं, हनुमान जी, अंगद, जांबुवंत, जो बंदर सेना है वो आ जाते। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का यह वैशिष्ट्य है कि उन्होंने अवतार लेने के पश्चात जितने भी भगवान ने अवतार लिए स्वयं,
उनके सारे भक्त एक साथ अवतार लेते हैं। जैसे प्रभु राम रामचंद्र के हनुमान जी हैं, वो चैतन्य महाप्रभु के समय मुरारी गुप्त का बनकर आए। नारद मुनि आए श्रीवास पंडित बनकर, महाविष्णु आए अद्वैत आचार्य बनकर, बलराम जी आए नित्यानंद प्रभु बनकर, राधा रानी स्वयं आई, वो तो राधा रानी के भाव लेकर आए थे, राधा रानी स्वयं भी आई लेकिन पुरुष रूप में आई गदाधर पंडित के रूप में, राधा रानी के पिताजी पुंडरीक विद्यानिधि बनकर आए। ऐसे आप गिनते जाएंगे, किताब है पूरी गौर गणो देश दीपिका, उसमें कौन 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 व्यक्ति है ये सबका वर्णन दिया है। ये व्यक्ति कौन थे? रामानंद राय ललित विशाखा के अवतार थे, स्वरूप दामोदर ललिता सखी के अवतार थे, ऐसे पूरा एंटराज है। तो मुरारी गुप्ता थे, वो चैतन्य महाप्रभु के जन्मस्थान के बाजू में उनका घर है मुरारी गुप्ता, और वो क्योंकि हनुमान जी के अवतार थे उनके घर में प्रभु रामचंद्र का विग्रह आज भी, और महाप्रभु ने उनके घर में जाकर बहुत लीलाएं की। एक बार तो महाप्रभु ने उनके घर में जाकर रामचंद्र का दर्शन दिया तो मुरारी गुप्ता को पूंछ निकली और वो बंदर बन गए और बहुत सुंदर लीला हुई उनके पास। एक बार वराह बनकर उनके घर में प्रवेश किया और एक लोटा पकड़कर उसको पृथ्वी का भाव से उठाया, मुरारी गुप्ता को कहा मुरारी गौरव करो मेरा, प्रार्थना करो मेरे लिए। तो मुरारी गुप्ता दंग रह गए, ऐसे सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। तो वो मुरारी गुप्ता के घर में गौर निताय के विग्रह भी हैं, प्रभु रामचंद्र के साथ साथ गौर निताय के मतलब चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद, उसको कहते हैं गौर और नित्याय निताय, गौरांग और नित्यानंद, ठीक है। तो कुछ समय बाद जब चैतन्य महाप्रभु अंतर्धान हो गए, मुरारी गुप्ता भी अंतर्धान हो गए, ये बालपन के मित्र हैं चैतन्य महाप्रभु, ये गौर निताय के विग्रह चोरी चले गए। बहुत समय के बाद जैसे आज के एक मिनट एक बार लोगों को स्थिर करो फिर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। आइए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सब लोग बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कल से ना सब लोगों को पहले से शुरू में बिठाया करो, हर रोज की लीला है कथा के बीच में पीछे वालों को आगे करने, तो वो लीला हम शुरू से करेंगे तो अच्छा रहेगा, फिर हमारी लीला चलती रहेगी बिना अवरोध के। हाँ चलो बैठने के पहले एक बार बोल लो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृपया जल्दी बैठ जाइए। ओके सो 200 साल पहले फिर ये मूर्तियां वापस मिल गई। नहीं भगवान की लीला है, भगवान अपनी लीलाओं को अपने विग्रहों को कभी प्रकट करते हैं, कभी लुप्त कर देते हैं, कभी चोरी चले जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। मान मंदिर के जो भगवान है मान बिहारी लाल, वो भी एक बार एक यात्री चोरी करके ले गया, कहां लेके गया था? नवद्वीप धाम गए मान बिहारी लाल, वहां पर 20 गांव में जाकर रहे, फिर वो बहुत मंत्र तंत्र करके उनका ठिकाना ढूंढ के निकाला और मिले वो, पुलिस वहां पहुंची मंत्र तंत्र के निर्देश के अनुसार और मिल गए मूर्ति उनको। फिर उसके बाद में मान बिहारी जी को पुलिस स्टेशन में रखा गया पंचनामा करने के लिए, जब तक वो पंचनामा क्लियर नहीं होता है तब तक मान बिहारी पुलिस स्टेशन में रहे, अभी कोई पुजारी नहीं भक्त नहीं कोई नहीं। फिर क्या हुआ पता नहीं कहां से लोग आ गए भक्ति भाव से, पुलिस स्टेशन के अंदर भी 6 भोग लग रहे हैं उनकी, 6 आरती हो रही है, बिना पहचान के सब पुजारी बन के उनकी सेवा करते, और फिर बड़े इत्मीनान से उनको फ्लाइट से दिल्ली लाया गया और दिल्ली से लेकर मथुरा लाया गया, मथुरा से रोड से 50 किलोमीटर उनका जुलूस निकाला, बड़ी धूमधाम से उनको मान मंदिर में विराजमान किया। तो हमको लग रहा है कि चोरी किया पुलिस पकड़े पंचनामा हुआ ये हुआ, लेकिन अंदर की बात क्या है ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, तो मन हुआ नौ दिन घूम के आने गए किसी को प्रेरणा दिया चोरी करो मुझे ले जाओ। उसी तरह से 200 साल के पहले ये मिल गए, बहुत आश्चर्यकारक प्रति से मूर्ति मिल गई। कैसे मिल गई पता है? उसका भी एक रहस्यमय चीज है। एक जगह पर एक गाय जाकर एक अनजान जगह पर पूरा अपना दूध छोड़ देते, तो फिर वो लोगों को आश्चर्य हुआ कि ये गाय जो है शाम को जब भी दूध निकालने का समय आता है एक बूंद भी दूध नहीं रहती उसने, एक दिन पीछे 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 गए उसके दूध क्या मालूम पड़ा कि जाती है चरने के लिए एक जगह सारा दूध छोड़ के आती,
सुंदर को जो रहस्य की बात है, उन्होंने वो जगह का खनन किया तो उनको वही गौरवता मिलेगी जो गायब हो गए थे। जय हो जय महाराज। तो फिर क्या हुआ, तो फिर एक डिवोटी थे जिनका नाम था बलराम पंडित, उन्होंने इनका पर भजन पूजन सेवा शुरू कर। एक दिन एक माता जी आए जिनका नाम था चंद्र शशि मुखोपाध्याय, ब्राह्मण घर से चंद्र शशि मुखोपाध्याय यानी मुखर्जी, चटर्जी यानी चट्टोपाध्याय, मुखर्जी यानी मुखोपाध्याय, बैनर्जी यानी बंदोपाध्याय, ऐसा बंगाल करेगा। तो उन्होंने देखा तो उनको देखकर वो ऐसे भाव विभोर हो गए, देखकर दर्शन करते ही रोज आने लगे थे। तो एक दिन क्या हुआ, वो एक खीर लेके आए भोग लगाने, तो गौरनिता आई वो भोग लगाया उन्होंने। फिर क्या हुआ, रात को गौरनिता स्वप्न में आए, स्वप्न के आप क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारी खीर मुझे बहुत अच्छी लगी, दोबारा लेकर आओ। और वो कुछ खड़ी थी तो स्वप्न में गौर निताई क्या किया, उनका पल्लू खींचा, तो खींचा ताने में उनका पल्लू फट गया। तो सवेरे भी स्वप्न से उठी और भगवान ने कहा था खीर लेकर, दोबारा खीर लेके गई तो उसकी साड़ी का फटा हुआ कोना था, वो तो कोना गौर निताई गौरांग महाप्रभु के हाथ में था। देखो प्रतिमा ना ही तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, ये मत समझना कि भगवान का विग्रह जो है पत्थर का बना हुआ है, संगमरमर का बना हुआ है, कुट्टे का बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है, समझ समझना साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। अगर आपके अंदर भाव है तो आपके अंदर वो वहां पर उपस्थित है। अगर पत्थर समझते हैं तो पत्थर है, लकड़ी समझते तो लकड़ी है, पेंटिंग समझते तो पेंटिंग है, आप व्यक्ति समझते हो तो आपके लिए व्यक्ति है, चाचा मामा नाना पिताजी माता जी सब है आपके लिए, तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव, हाँ सब कुछ रिश्ते निभाएंगे वो आपके लिए। अरे हमारे मीरा रोड के अंदर भी कोई प्रतिष्ठापित मूर्ति भी नहीं है जगन्नाथ जी की। एक दिन रात को वो माता जी जो जिनके घर पे हैं उनके सपने में आए, तो वो नाम से पुकार रहे, उठो उठो मुझे पानी दो, मुझे प्यास लग रही है। वे अचानक उठ गई, देखा मंदिर खोल के देखा तो पानी रखने को रात को भूल गई थी। तो जगन्नाथ जी सपनों में आकर उसको जगाया और पानी मांगा, अभी प्रतिष्ठापना करके भगवान को आह्वान भी नहीं किया। लेकिन आह्वान नहीं भी किया होगा, अगर आप प्रेम से भगवान को सेवा कर रहे हो तो भगवान आपको उसका प्रतिसाद देंगे ही देंगे कि मैं हूँ, मुझे पत्थर मत समझना, मुझे लकड़ी मत समझना। उसी प्रकार से एक इतनी भाव से उनकी सेवा कर रही थी, स्वप्न में आकर बताया कि तुम्हारी फिर मुझे बहुत अच्छी लगी, दोबारा बना के लेंगे, और पल्लू खींचा तो फट गया स्वप्न में। तो जब जग गई देखा तो वास्तव में पल्लू फटा हुआ था। और फिर दूसरे दिन जब खीर लेकर गई तो फटा हुआ साड़ी का टुकड़ा चैतन्य महाप्रभु के हाथ में लिया। फिर वो चंद्र शशि माता जी जो है वही मंदिर में रहने लगी। इतना उनको भाव का अनुभव हुआ, मैं दूर क्यों रहती हूँ, रोज आना जाना क्यों। वैसे भी वो देख रही थी कि वो बलराम जो आचार्य थे वो ठीक से मन से सेवा नहीं कर रहे थे, वो तो पगार ही थे ना, वो पैसा लेकर सेवा करते थे, भाव से सेवा नहीं करते थे, तो यही रहकर सेवा करते थे। और फिर धीरे से वो पुजारी निकल गए। चंद्र शशि बहुत दिन से वहां पर सेवा करने लगी। और बहुत फिर ये स्टोरी जो है ना वो 19th सेंचुरी की है, मतलब 1850 1860 ऐसे समय की से कथा आएंगे। तो वापस एक बार बहुत दिन तभी वो आई, तभी तो अच्छी मतलब युवा अवस्था में थी, अपने वृद्ध होने के बहुत वृद्ध होने तक वो सेवा कर रही थी, बहुत वृद्ध हो गई। एक दिन वापस स्वप्न में आए गौर निताई और कहते हैं उनको मुझे वृंदावन ले चलो। अब ये कहाँ रह रहे हैं, पुरारी गुप्ता का घर कहाँ है, नवद्वीप धाम में चैतन्य महाप्रभु के घर के बाजू में उनका घर पीछे। तो कहते हैं कि मैं तो कलकत्ता वाले हूँ, मेरे सामने मौका मुखोपाध्याय है, मुझे वृंदावन के बारे में कुछ पता नहीं, थोड़े को चिंता मत करो, सब कुछ मैंने इंतजाम कर लिया, मेरा घर ले चलो, बाकी सब इंतजाम मैं करूंगा। इतनी श्रद्धा थी भगवान के ऊपर, गौरनिधान के विग्रह लिए सब पैकअप किया, मुरारी गुप्ता का हाउस में इसको कुछ था, चल पड़ी वृंदावन। पूछते पूछते सबको इंक्वायरी करते करते आई तो वृंदावन में, आपको बताया ना केशी घाट का स्थान दिखाया ना कल आपको, वहां पर आई और केशी घाट में वो ऐसे ही चल ही रही थी। तो एक देखो एक अचानक उनको एक बहुत धनी औरत मिली, वो देख रही उनके हाथ में विग्रह है, उसे क्या है गौरनिधान के विग्रह, वो कह रही कि मैं
अभी अभी बनखंडी महादेव एक सुंदर स्थान है, बताओ उसके बारे में। बनखंडी महादेव के मंदिर के पीछे मैंने एक बड़ा अच्छा मंदिर बनाया है और मैं मूर्तियों को ढूंढ रही, कोई अच्छी मूर्ति कहीं मिल जाए तो आपके पास बहुत सुंदर विग्रह है, चलो आपके विग्रह को रखते हैं। तब चंद्र शशि को याद आया, गौरव महापुर ने कहा था कि बाकी सब व्यवस्था मैं कर लूंगा, अपने आप लेके चलो खाली मस्त। याद आई उनको, तुरंत वहां के पीछे गए, बहुत सुंदर मंदिर था और गौर ने कहा कि विग्रह के लिए पर्याप्त मंदिर था। फिर भी चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के विग्रह बहुत छोटे छोटे थे, तो कैरी करने योग्य थे, बहुत बड़े 4 फुट के विग्रह नहीं थे। तो ये ना, ये जो स्थान है ये लोई बाजार के वेस्ट साइड में बनखंडी के पीछे। तो उसके बाद में वृंदावन में जब वो रही तो सब जगह उनका नाम बन गया पिशी माँ, यानी बड़ी दीदी, हाँ एल्डर सिस्टर के रूप में उनको सब लोग पुकारने लगे। आज भी वृंदावन में ब्रजवासी लोग बहुत रहते हैं और बंगाली लोग बहुत रहते हैं, बहुत सारे लोग बंगाल से वृंदावन आकर बसे हैं, लेडीज जेंट्स सब लोग। और गौड़ीय वैष्णव के 7 प्रमुख मंदिर है, तो वहाँ के भी पुजारी लोग सब बंगाली है, तो उनके भी परिवार पत्नी बच्चे सब वृंदावन में रहते हैं, तो वृंदावन में ब्रजवासी और बंगाल दोनों रहते हैं। तो चंद्र शशि फिर पिशीमा नाम से प्रसिद्ध हो गई और गौर नेताई को क्या बोला गया, पिशीमा के गौर नेताई ऐसे लोग बोलने लगे। फिर क्या हुआ, अपने उम्र के 100 साल तक पिशीमा ने उनकी सेवा चंद्र शशि माता जी ने। और एक दिन चमत्कार हो गया, उसको लगा कि मुझे ब्रज परिक्रमा करने को जाना चाहिए, तो मैं इनको भी पालके में लेकर जाऊंगी, गौर निताई को ब्रज परिक्रमा गोवर्धन परिक्रमा कराऊंगी। बहुत लोग अपने आप जानते ना टोकरी में भगवान को लेकर चलते रहते हैं, वृंदावन में आपको बहुत मंदिरों में बांके बिहारी के राधा वल्लभ जी के बहुत अपने अपने टोकरी में भगवान को लेकर घूमते हुए मिलेंगे। तो जब ये पालकी भी लेकर गौर निताई को लेकर जा रही थी तो ब्रिटिश पुलिस ने उसको रोका, क्योंकि वो ब्रिटिशों का काम था समय था, और उन्होंने कहा खोलो इसको, क्या है इसके अंदर दिखाओ। पालकी में थे वो, अच्छा पर्दा लगाए हुए थे, और कुछ लोग पालकी में उठाकर ये आगे चल रहे थे, कुछ लोग पीछे भी लेकर चल रहे थे। इन्होंने कहा कि भगवान है इसके अंदर, आपको डिस्टर्ब मत करो, वो उसे शयन कर रहे हैं। तभी पुलिस ने अपना जिद दिखाया, तो जाकर जबरदस्ती पर्दा खोला, तो पर्दा खोलते ही जबरदस्ती ऐसा लाइट उसमें से निकला, ये पुलिस अंधे हो गए, लॉस्ट देयर विजन, और से भागे वहां से। और पिशीमा ने कहा उनको कि मैंने आपको कहा था कि मत खोलो मत खोलो, दूर भाग गए। तो पिशीमा बस वो सब्जी खरीद रही थी उस समय, जब वापस आए तो उनको पता चला क्या हो गया, तो बोला अच्छा हुआ अब मेरे बड़े बच्चे बड़े हो गए, अपने आप को संभाल लेते हैं। तभी वो सब्जी खरीदने के लिए बाजू में गई थी और वो पालकी वाले पकड़ने वाले खड़े थे, पुलिस युद्ध कर रहे थे। तो ये चमत्कार हुआ। दूसरी बार क्या हुआ, पिछवा चमत्कार, पिछीमा बहुत बुढ़ी हो चुकी थी और गोपेश्वर गोस्वामी नाम के गोस्वामी आए, उन्होंने गौर निताई की सेवा करना आरंभ किया और पिछीमा उनका और रुकी, मतलब क्या सुपरविजन करने लगी। तो एक दिन गोपेश्वर गोस्वामी भी वो वाले थे ना, पगार वाले थे, अभी भगवान को ठंड के समय पे सभी मंदिरों में हमारे घर पे भी गर्म पानी से स्नान कर, अगर अभिषेक करने का समय तो गोपेश्वर गोस्वामी ने क्या किया, हमको ठंडे पानी से स्नान, ठंडे पानी से स्नान करते ही गौर निताई को ठंड लगी, सर्दी हुई, खांसी हुई, नाक से पानी बहने लगा। पिछवा आई तो देखा क्या हुआ, तो उसने अपने वस्त्र से लेकर गौर निताई के नाक पोंछे दोनों पे, इतनी बार नाक पोंछे तो पानी बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, बहता जा रहा है। और गौर निताई को पूछ रही है क्या हुआ बेटा, आपको सर्दी लग गई, तो गौर निताई उसको बोल रहे हैं कि हाँ आपको ठंडे पानी स्नान कराया गया। तो बहुत देर तक वो अपने कपड़े से उनको नाक पोंछ रही है, नाक पोंछ रही है, तो अचानक कहती है अभी आप लोगों को बड़ा होना चाहिए, अपने आप का ख्याल रखना, खुद रखना चाहिए। तो क्या कहे, उसी समय गौर निताई जितने आकार थे उसको डबल आकार के हो गए, मूर्ति विग्रह स्वयं एक क्षण के अंदर। मैया ने बड़े प्रेम से बोला उनको, आपको बड़ा होना चाहिए, तुरंत बड़े हो गए वो। फिर उसके बाद में फिर वो किसी माता का ध्यान हो गया। लेकिन कहने का तात्पर्य क्या, ये कथा मैं आप लोग को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम सभी लोग जब भी हम नए नए आते हैं तो हम सब मूर्तियों को पत्थर लकड़ी या पेंटिंग समझते हैं, लेकिन भगवान को पेंटिंग पत्थर लकड़ी नहीं, लकड़ी नहीं, भगवान साक्षात है।
ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामस तथैव भजाम्यहम्। आपके मन में अगर भगवान के प्रति श्रद्धा है तो भगवान आपको प्रतिसाद देंगे, जैसा आपकी श्रद्धा है, ये यथा माम, जैसी आपकी श्रद्धा है वैसा वो आपको रिस्पॉन्स देंगे। अगर आप उनको द्वेष करते हैं तो वो भी आपको वैसा ही अनुभव मिलेगा, और प्रेम करेंगे तो हर रोज आपको ये अलग दिखेंगे, आज नाराज दिखेंगे, कभी खुश दिखेंगे, भाव में दिखेंगे। कभी आपने भोग लगाया तो उनको अच्छा लगा तो आपको पता चलेगा कि उनको अच्छा लगा है। ये भगवान की जो विग्रह पूजा है ना, ये एक व्यक्तिगत आदान प्रदान है, इट इज अ पर्सनल रेसिप्रोकेशन विद द लॉर्ड। भगवान तो गौलोक धाम है ना, तो हम उनके दर्शन करने का भी योग्य नहीं है, तो भगवान स्वयं जो विद्यार्थी भक्त है उसको सेवा का मौका देने के लिए ये साकार रूप में आ जाते हैं, मूर्ति के रूप में आपकी हमारी सेवा स्वीकार करने के, और वो सेवा में हमारा उनका रिश्ता बंधन बन जाता है और उसमें आदान प्रदान भी होता है। तो बात चल रही थी बनखंडी महादेव की, तो कल मैंने आपको बताया था ना सनातन गोस्वामी के बारे में, मदन मोहन जी के आचार्य। तो सनातन गोस्वामी जी जब भी वो द्वादश आदित्य टील पर निवास करते थे तो वहां पर मदन मोहन जी का भजन पूजन करके अपना जप साधना करके हर रोज गोपेश्वर महादेव जो वृंदावन के उत्तर दक्षिण कोने में, सॉरी मथुरा की ओर, गोपेश्वर महादेव जो शंकर महादेव गोपी बनकर राजमंडल में उन्होंने प्रवेश किया और फिर भगवान ने उनको राजमंडल की रक्षा करने के लिए वहीं पर बिठाया, बंसीवट के राजमंडल के किनारे पे, बोले रक्षण करो हमारे राजमंडल के। तो वहां पर शिवलिंग है, दिन भर शिवलिंग की पूजा करते हैं, शाम के समय पर संध्या आरती के समय शिवलिंग को गोपी बना दे, गोपेश्वर महादेव बड़े ब्रजवासियों को बड़े प्रिय है, हम सब लोगों को ब्रजवासियों को यात्रियों को सबको बड़े प्रिय है। वो चार जगह बैठे हुए वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के रूप में, गोवर्धन में चक्रेश्वर महादेव के रूप में, चक्र तीर्थ है बीच में गोवर्धन के, वहां पर वो चक्रेश्वर महादेव के रूप में विराजमान, नंदगांव में नंदीश्वर महादेव के रूप में विराजमान, स्वयं पर्वत बने हुए हैं शंकर जी महाराज, कामभुवन में कामेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। ऐसे शंकर महाराज और पार्वती देवी इनको राधा कृष्ण ने सभी वृंदावन के सभी क्षेत्र में जहां चाहे वहां रहने के लिए फुल लाइसेंस दे दिया, क्योंकि शंकर पार्वती ने त्रैमासिक व्रत किया था भगवान को प्रसन्न करने के लिए। विष्णु भगवान ने प्रसन्न होकर उनको राधा कृष्ण का मंत्र दिया था, दोनों मिलकर उन्होंने 3 महीने 90 दिन का बहुत कठिन व्रत किया, सौगंधिका फूलों को अर्पण करते हुए, और सौगंधिका फूल मान सरोवर में आया करते थे, गणों के शिव शंकर जी के गणों की सहायता से वो उस पौंड में 1000 पंखुड़ियों का कमल दल वाला पुष्प निर्माण करते थे बड़ी बड़ी संख्या में, और चढ़ती हुई संख्या में हर हफ्ते उनको भगवान को राधा कृष्ण को अर्पण करने का संकल्प। वही फूल था वो, एक बार द्रौपदी को हिमालय के वनवास के समय उड़ते उड़ते फूल आया था ना, वो भीमसेन को कहा था कि जाओ उसको ढूंढ के लेकर मुझे चाहिए फूल, ये तो भीमसेन गए थे मानसरोवर में फूल लाने के लिए सौगंधी का, और रस्ते में उनके हनुमान जी से मुलाकात हुई, है ना, बड़ी सुंदर कथा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो जो महादेव जी हैं गोपेश्वर महादेव, उनको रोज हमारे सनातन गोस्वामी मिलने को जाते, लेकिन धीरे धीरे उम्र बढ़ गई उनकी, तो एक दिन देखो सनातन गोस्वामी हमेशा गोपेश्वर महादेव को भेंट देते थे, दर्शन करते थे, मदन मोहन मंदिर से निकलकर बड़ी लंबी दास्तान काट के वो उस समय तो जंगल था वहां दर्शन करते थे, फिर सनातन गोस्वामी वृद्ध हो गए। तो एक दिन गोपेश्वर महादेव उनके सपनों में आए, जिनका वो दर्शन करने के लिए जाया करते थे, और सपने में आकर दर्शन दिया और कहा अरे सनातन तुम बहुत बूढ़े हो चुके हो, अभी इतना दूर आने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास ही बनखंडी महादेव के रूप में आ गया हूँ जो आज लोही बाजार के पास, तो वहां पर आओगे तो मेरा दर्शन आपको प्राप्त हो जाएगा। सनातन गोस्वामी फिर बनखंडी महादेव जाने लगे। ऐसे ऐसे बहुत सुंदर सुंदर स्थान है वृंदावन में, चलो कोई बात नहीं आपको अभी राधा रमण का दर्शन। हरे कृष्णा। तो
राधा रमण भगवान की जय हो। तो इसका जो संक्षिप्त पार्श्वभूमि है आ रहा है ना, पीछे दिखाई पड़ रहा है ना, यस और नो? फिर वही बात है, रोज की लीला है। चलो मैं तब तक आपको पार्श्व बताते हैं, आप जरा तब तक कोशिश करना, हमको क्या करना हो सकता है, तार लगाना पड़ेगा ये व्हाइट वाला। ओके, गोपाल भट्ट गोस्वामी, इनका उल्लेख मैंने किया था ना कुछ दिन, दो दिन पहले, कि चैतन्य महाप्रभु जब चतुर्मास्य करने के लिए श्रीरंगम मंदिर में आए तो वेंकट भट्ट के घर पे 4 महीने रहे चतुर्मास्य के व्रत करने के लिए। तो उस समय दिन भर श्री रंगनाथ जी के मंदिर में वो कीर्तन किया करते थे और लोगों को आनंद विभोर किया करते थे, और रात में वेंकट भट्ट के घर में रुकते थे, रुके हुए थे। आज भी वो घर वहां पर है वेंकट भट्ट का। और चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट गोपाल भट्ट इनके असीम कृपा से 4 दिन मुझे वहां पर रहने का मौका मिला, 4 days with my family। ऐसे अचानक सहयोग हुआ, कुछ योजना नहीं बनी थी, लेकिन उसी घर में हमारा रहने का इंतजाम हुआ। 4 दिन हम लोग वहां पर, वहां पर वेंकट भट्ट के वंचर लोगों ने तपस्या की, हमारे गुरुदेव भी वहां रहकर भजन किया हुआ है, बहुत सुंदर घर है। और स्वयं चैतन्य महाप्रभु उस घर के केंद्र स्थान में एक जगह है, वहां पर बैठकर उन्होंने रात भर चर्चा की थी, वेंकट भट्ट और उनके भाई प्रबोधानंद जी और बेटा गोपाल के साथ चैतन्य महाप्रभु रात भर कृष्ण लीला की चर्चा करते थे। और छोटा गोपाल 5 साल का था उस समय, हाँ, वो चैतन्य महाप्रभु व्यक्तिगत सेवा में था, उनको चाहिए नहीं चाहिए, जो भी वस्त्र चाहिए, पानी चाहिए, भोजन चाहिए, सब व्यवस्था बालापुर की सेवा में। 4 महीने उन्होंने हर रात पता नहीं कैसे नींद के बिना काटे, लेकिन हर रात भगवान का संग किया, दिन भर भी लालायित होकर उनके पीछे पीछे मंदिर में जाकर नृत्य किया। 4 महीने बाद जब चतुर्मास का व्रत समाप्त हुआ, महाप्रभु जाने लगे तो ये लड़का भी उनके पीछे जाने लगा। तो उस समय क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु बालक को बोले, तब उसकी उम्र मेरे ख्याल से 5 से 11 साल थे, छोटे थे, आएगा उत्तर चित्र पर, चल रहे कोशिश चल रही। चैतन्य महाप्रभु ने बालक गोपाल को आदेश दिया कि आपको हम मेरे साथ में नहीं आना है, आपको अपने माता पिता की सेवा करनी है, जब माता पिता का शरीर पूरा हो जाएगा तब तो आप मुझे मिलने के लिए वृंदावन आ जाना। इसमें हमारे घर में भी छोटे छोटे बालक है, अब उनको ऐसा आदेश देंगे तो मानेंगे क्या वो? नहीं नहीं मुझे अब भी जाना है, मैं जाऊंगा उनके पीछे, मैं नहीं देना चाहता। ये बालक इतना संत बालक था, महाप्रभु के चरण में गिरा, आंसू बहाते हुए वापस लाए कर गया। तब वो कुछ छोटा सा उम्र का था, उसके बाद कई शायद मेरे ख्याल 40-50 साल उसने उन्होंने अपने पिताजी की सेवा की, माता जी की सेवा की, यथावकाश वेंकट भट्ट जी और उनकी माता जी का शरीर पूरा हुआ, अंतर्धान हो गए वो, और तब ये निकले। इनको चैतन्य महाप्रभु के प्रति आकर्षण था ना, लेकिन महाप्रभु का आदेश क्या था, आपको फिर वृंदावन में जाना है। आपके मन में आकर्षण किसके लिए है, चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु कहां पर है, जगन्नाथपुरी में संन्यास लेकर जा चुके, लेकिन आदेश पालन बहुत आवश्यक है। वॉट इज टोल्ड इज इंपॉर्टेंट मोर देन वॉट यू फील लाइक डूइंग। दोनों भक्ति में ही विषय है, दोनों भक्ति के विषय है। अगर महाप्रभु को मिलने के लिए नवद्वीप जाते या जगन्नाथपुर जाते तो भी कोई माया में फंसे हुए नहीं है, लेकिन श्रेष्ठ तत्व क्या है, जिस व्यक्ति पर आपको प्रेम है, जिस व्यक्ति को आप आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, आपके गुरु आचार्य की तरह है, उनके साथ रहने के बदले उनका आदेश का पालन करना श्रेष्ठ होता है। वॉट इज मोर इम्पोर्टेंट इज फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर और द स्पिरिचुअल अथॉरिटी। उनको पता ना कि महाप्रभु के लिए मैं लालायित हूँ और वो तो जगन्नाथपुरी में है, लेकिन उन्होंने आदेश दिया था कि आपको वृंदावन जाना है, तो वृंदावन जाके रहने लगे पेड़ के नीचे।
तभी बहुत सारे भक्त वृंदावन में थे, क्योंकि सबसे छोटे उम्र के जो भक्त गोस्वामी हैं ये गोपाल भट्ट गोस्वामी, सबसे छोटे उम्र, बाकी सारे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, ये सब लोग बड़े उम्र के, छठवे गोस्वामी साउथ इंडियन थे और छोटे उम्र के, तो जब तक ये पहुंचे थे तो पांचों गोस्वामी ऑलरेडी वृंदावन में थे, और दो गोस्वामी थे भूगर्भ गोस्वामी लोकनाथ गोस्वामी, पहले से ही वृंदावन में आकर बसे थे, बहुत विरह में व्याकुल होकर जला करते, लोगों को पता चला कि महाप्रभु के विरह में तड़प रहे, तो कोई संदेश लेके गया जगन्नाथपुरी में, कहा आपने आपने गोपाल को वृंदावन में बुलाया है, तो आपकी याद में तड़प रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपना बैठने का आसन और अपने वस्त्र का टुकड़ा उसके लिए भेज दिया, उसके विरह को शांत कर, थोड़ा विरह का शांत हुआ लेकिन ज्यादा शांत नहीं हुआ। महाप्रभु उधर जगन्नाथपुरी में से उसके स्वप्न में आए गोपाल के, गोपाल भट्ट जी के, और कहा कि तुम अभी यहां से नेपाल चले जाओ, जैसे कि आपको बताया जाए कि सूरत में सिटी लाइट चले जाओ और पास में है जो हम पहुंच सकते हैं, उनको कहा गया कि नेपाल चले जाओ, तो उस समय कोई घोड़ा गाड़ी विमान हवाई जहाज कोई हेलीकॉप्टर नहीं था, समय जहां पर भी जाना है पैदल जाना है, गोपाल भट्ट गोस्वामी महाप्रभु जी के स्वप्न के आदेश के अनुसार पैदल चले गए नेपाल, पशुपतिनाथ का दर्शन किया। आप लोगों से कितने लोग नेपाल गए? हाँ, मेन जो है वो पशुपतिनाथ काठमांडू है, उसके आगे 6 घंटे जाएंगे रोड से तो पोखरा नाम का गांव आता है, पोखरा नाम का बहुत फेमस जगह है, टूरिस्ट स्पॉट है बहुत और पवित्र स्थान भी बहुत है। और नेपाल में आपको पता नहीं होगा शायद, नेपाल में श्रीमद् भागवत के कई प्रसंगों के स्थान है, जहां पर जो घटनाएं भागवत में वर्णन की गई ना, दक्ष महाराज की, सती की, शंकर महाराज का, फिर वो शाप शाप बहुत निकले थे उसमें, वो घटना जो है वो दक्षेश्वर महादेव में हुआ था। भरत महाराज की जो कथा है, जहाँ भरत महाराज संन्यास लेकर जंगल में गए, वहां पर जाके हिरण बने, हिरण बनने के बाद जड़ भरत बने, वो भी जगह वहां पर है गलेश्वर महादेव। और उसके आगे चले जाएंगे ऊपर पहाड़ में तो रावण का जन्म स्थान है, पुलह मुनि, पुलत से मुनि भाई भाई थे वो जंगल में, वहां पर रहते थे, वहां पर पुलत से मुनि की दो, पुलह मुनि की दो पत्नियां थी, एक पत्नी ने कुबेर को जन्म दिया, एक पत्नी ने 4 बालकों को जन्म दिया, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा, ये सब उसका वहां पर स्थान है। उसके आगे जाएंगे पहाड़ों में तो काली गंडकी नदी आएगी, दो नदी की, एक गंडकी नदी और काली गंडकी, दो बहने थी, तो उन्होंने उनको आदेश दिया था कि आप गंडकी नदी में जाओ, वहां पर मेरा आपको दर्शन होगा, ये स्वप्नादेश हुआ था। अभी दिख रहा है अगर कुछ दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है अभी, क्या दिख रहा है? हाँ, यू आर विद मी नाउ, गुड। तो जब वो वहां पर दर्शन कर रहे थे गंडकी नदी में, ध्यान से सुनना अभी आप वहां देखते रहे ना, तो साधु लोग क्या करते हैं, कमंडल लेकर पानी में उतरते, पहला डुबकियां लगाते हैं बहुत अच्छी तरह से सबकी प्रार्थना करते हुए, फिर कमंडल में जल लेकर फिर आचमन करते हैं, फिर अर्घ्य अर्पण करते हैं सूर्य को, नदी को, सबको करते हैं। तो पहली बार कमंडल स्नान के बाद में पानी में डुबाया तो 12 शिलाएं, 40 ग्राम शिलाएं उनके अंदर प्रवेश किया कमंडल में। अभी देखिए एक बात बताना रहेगा मेरा कि काली गंडकी का ऐसा रहस्य है, काली गंडकी के बाजू में जो पहाड़ है उसमें से जो जो पत्थर जो है ना वैसे फिसल के गिर जाते हैं ना, वो फिसलने के बाद जल में गिरते हैं तो जल में एक वज्र वज्र कीट नाम का कीटक है जो विश्वकर्मा का अवतार है, भगवान के जो देवताओं के आर्किटेक्ट ना विश्वकर्मा, जिन्होंने जगन्नाथ का मंदिर बनाया और द्वारका बनाई है और क्या क्या नहीं बनाया, बहुत कुछ बनाया, तो वो कीटक के रूप में वहां पर पानी में रहते हैं और वो पत्थर के अंदर प्रवेश करके अंदर से डिजाइन बनाते हैं उसकी वज्र कीट, और वो डिजाइन जब बनती है तो गिरा हुआ पत्थर 40 ग्राम शिला गोल बटल बन जाता है और वो सब शिलाएं नदी के तल पर विराजमान रहती है और वहां के नेपाली लोग जो डाइव करते हुए वो शिलाएं निकालते हैं और आपको बेचते हैं या देते हैं जो भी कुछ है। लेकिन बेसिक पॉइंट क्या है, तो पत्थर कभी पानी में तैरता है क्या? पत्थर अभी आपको चाहिए, शिला चाहिए तो आपको तल में जाना पड़ेगा ना, थोड़ी सरफेस में मिलेगा आपको भाग पर, लेकिन इनके कमंडल पे हम जब पानी भरते हैं तो पीछे से भरते हैं, ऊपर से भरते हैं ना, ऊपर से पानी में तो 12 शिलाएं अंदर प्रवेश करते हैं,
तुझे लगा बाई चांस आ गए होंगे तो वापस पानी में डाल दो, फिर दोबारा भरने के लिए वापस 12 शेर अंदर आ गए, फिर पानी में डाल दिया, और तीसरी बार जब डाला तो फिर एक बार 12 शिलाएं उनके कमंडल में प्रवेश की। उस समय आकाशवाणी यानी चैतन्य महाप्रभु बोले आकाशवाणी का आवाज में कि मैंने कहा था ना कि आपको मैं काली गंडक में मिलूंगा, ये मैं ही हूं, ये शिलाएं मुझसे अभिन्न नहीं है, इसको ले जाओ वृंदावन में और इनका पूजन करो। तो उन 12 शिलाओं को लेकर गोपाल भट्ट गोस्वामी फिर पोखरा से चलकर काठमांडू, काठमांडू से चलकर फिर भारत देश, भारत देश से दिल्ली, दिल्ली से चलकर मथुरा, मथुरा से वृंदावन आए। और देखिए मैं आपको दिखाता हूँ स्थान, ये देखिए ये स्थान है, ये देख रहे हैं आप, बाजू में देखेंगे तो पूरा एक कमान है ऐसे, और कमान के बीच में ही थोड़ा सा मंदिर है और एक बड़ा पेड़ भी है उधर। हाँ, उधर उन्होंने इन 12 शिलाओं को रखकर उनका पूजन आरंभ किया। और हर रोज अभी आपको पता होगा बहुत लोगों को शालिग्राम की सेवा कैसे करते हैं, बहुत सिंपल सेवा है, वैसे बहुत इलाबोरेट भी कर सकते हैं लेकिन सिंपलेस्ट सेवा करनी है तो गंगा या यमुना या किसी पवित्र नदी का जल से उनको अभिषेक कराना है, स्नान कराना है। अगर आपके पास ऐश्वर्य कुछ है तो इत्र की बोतल से वो इत्र से उनका मालिश भी कर सकते हैं, और थोड़ा और धन है तो पंचामृत का अभिषेक भी कर सकते हैं, वो नहीं है तो केवल नदी का जल भी छाट के आप उसको फिल्टर करके उसका अभिषेक कर सकते, और वो अभिषेक हो गया तो पूछना है उसको, उसका चंदन लगाना है जिसके, और तुलसी रखना है बस, हो सके तो फूल लगाइए। लेकिन ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, नदी का पानी से स्नान, तुलसी और चंदन, इतना भी करेंगे। और जो आपके क्षमता में हो, आपको कोई केला मिलता हो या कोई द्राक्ष मिलते हो, कोई और कुछ मिलता हो या रोटी सब्जी भिक्षा मांग के मिलती है तो वो भी अर्पण कर सकते हो, भोग लगा सकते। तो ये तो फकीर थे, सन्यासी थे, साधु थे, उनके पास कुछ था नहीं, भिक्षा का जो मिलता था वो करते थे, जमुना जल से सेवा करते थे, चंदन तो इसके लगाते थे। और रात को शयन के समय में उनका नियम होता है शालिग्राम का, एक रुमाल उन पर रखते हैं, तुलसी चंदन निकाल लेते हैं और रुमाल रखकर उनको विनती करते हैं कि आप सो जाइए, शयन की विनती करके सो जाए। अगर किसी को पता है तो शयन का मंत्र भी बोल सकते हैं, बहुत सारी एलाबोरेट चीजें कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं आता है आपको फिर भी आप उसको रुमाल रखकर, स्वच्छ रुमाल रखकर उनको सुला सकते हैं, जैसे आप उसको ओढ़ रहे चादर। ऐसे रोज 12 शिलाओं पर 12 रुमाल रखकर उनको सुलाते थे, गीत गाते थे, सुबह उठकर जमुना जी में स्नान करके उनके लिए मंगला करते थे, उनको निकाल कर स्नान कराया करते थे, कभी हो सके तो तेल का इत्र का मालिश भी किया करते थे। एक दिन उनके पास में क्या हुआ, एक वृंदावन में बहुत अमीर व्यक्ति आया, दानी व्यक्ति, वो सब जानता था कि छह गोस्वामी रहते हैं, सबके पास अपने अपने विग्रह हैं, सनातन जी के पास मदन मोहन जी के विग्रह हैं, रूप गोस्वामी के पास गोविंद जी के विग्रह हैं, मधु पंडित के पास गोपीनाथ जी के विग्रह हैं, श्यामानंद गोस्वामी के साथ श्याम सुंदर जी के विग्रह हैं, और जीव गोस्वामी के पास दामोदर जी के विग्रह हैं, सबके पास। तो सबको ना उन्होंने वस्त्र लाए थे सबके लिए, अंग में पहनने वाले धोती, फिर मुरली, फिर मुकुट, फिर कान में कुंडल, ऐसे सेट्स लाए थे उन्होंने, और सबको वो देते 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 वो आए और लास्ट में इनके पास आए। और इनको भी ठाकुर जी के लिए लहंगा पजामा, उत्तरी वस्त्र, नीचे का वस्त्र, मुरली मुकुट सब दिया उनको। तो वो कहते हैं कि मैं क्या करूंगा इसके, मेरे ठाकुर तो गोल मटोल है। ब्रजवासी उनको क्या कहते हैं पता है आपको, ब्रजवासी में उनको कहते हैं कड़ी में डाले हुए पकौड़ा। क्यों? क्योंकि जब वो गोल मटोल होते थे ना बिल्कुल चिकने एकदम फर्स्ट क्लास काले रंग के, जब चंदन से घिसते थे तो पकौड़े जैसे दिखाई पड़ते थे। तो ब्रजवासी आज भी बहुत सारे भजन गाते हैं, अरे कड़ी के पकौड़ा तो कहते मेरे ठाकुर को ऐसे दिखते हैं, तो कैसे मैं इनको वस्त्र पहनाऊंगा, कहाँ पहनाऊंगा, कहाँ उनके हाथ है, कहाँ पैर है, कहाँ पता है मुझे। फिर भी उन्होंने जिद किया बहुत कि नहीं नहीं हमने लाया है तो आपको लेना ही पड़ेगा, बाकी क्या करना आप देख लो, लेकिन हमारा दान स्वीकार करो। तो ले लिया, अभी जैसे ही दान मिला सब वस्त्र का, तो उनके मन में ये मोह उत्पन्न हुआ, ऐसे विचार उत्पन्न हुआ कि इतना अच्छा होता अगर मेरे गोल भटोल कड़ी पकौड़ी को हाथ पैर रहते, हाँ अच्छा। रोज मन में सोचते हैं, वो वस्त्रों को देखते हैं, इनको देखते हैं, सोचते हैं अरे इनके हाथ पैर होते तो कितना अच्छा, अंग होते श्री अंग तो कितना अच्छा होता। तो बीच में क्या हुआ, ये नरसिंह चतुर्दशी का दिन आया, जानते ना कभी आएगा, वैशाख
वैशाख शुद्ध चतुर्दशी अभी तो गया क्या हो गया ना जय हाँ मैं तो हिमालय में था मुझे पता नहीं चला। तो वैशाख चतुर्दशी के दिन नरसिंह चतुर्दशी का उत्सव मनाया गया। हमारे गौड़ीय संप्रदाय में कैसा रिवाज है कि हम लोग उस दिन भागवतम का सप्तम स्कंद खोलते हैं और पूरी नरसिंह प्रहलाद की लीला पढ़ते हैं, संक्षिप्त क्यों ना हो पढ़ते हैं, उसको याद करते हैं कैसे प्रहलाद पर अत्याचार किया गया, फिर कैसे खंबे से भगवान प्रकट हुए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने क्या किया, भक्तों को बुलाया था, उत्सव मनाया था, तो सब भक्त आए थे, उन्होंने भागवतम खोला, सप्तम स्कंद को खोला और पूरी लीला पढ़ी। और पढ़ते पढ़ते जब लीला इस समय पर आई, इस जगह पर आई कि प्रहलाद ने अंगुली निर्देश किया और तत्क्षण उस खंभे से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। नरसिंह भगवान ने पूछा, सॉरी हिरण्यकश्यप ने पूछा, क्या करे भगवान इस खंभे में भी है? बोलते पिताजी वो खंभे में नहीं, सब जगह पर है, तो खंभे में भी है। अभी देखता हूं कौन तुझे मुझसे बचाता है, कहां से तुझे भगवान है और कैसे तुम तुझे मुझसे बचाते, देखता हूं। उसका एक हाथ तलवार और बाएं हाथ से खंभे पर जो हाथ मारा तो खंभा चकनाचूर हो गया और उसमें भयंकर गर्जना करते हुए तत्क्षण हाँ बोला और मुक्का मारा, उसके ऊपर भंग हो गया खंभा और नरसिंह भगवान प्रकट हो गया। बोला नरसिंह भगवान की। तो ये जब पढ़ा उन्होंने उनको लगा करे प्रहलाद जैसे भक्त ने केवल एक अंगुली निर्देश किया, जस्ट अ रेफरेंस इज देयर, तो तत्क्षण भगवान प्रकट हो गए, तो मेरे गोल मटोल कड़ी पकौड़े में से हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, ऐसा विचार मन में आया। आगे कथा पढ़ी गई, युद्ध हुआ हिरण्यकश्यप का भगवान के साथ में, भगवान ने संध्या के समय उनका वध किया, फिर प्रहलाद को गोद में लिया, फिर प्यार का आदान प्रदान हुआ और भगवान फिर कुछ दिन के बाद में नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज के साथ रहकर फिर अंतर्धान हो गए, किताब बंद हो गई, उस दिन का उत्सव समाप्त हो गया और बारह ही शालग्राम शिलाओं के ऊपर तुलसी निकालकर रुमाल रखा गया, उनको शयन किया गया। और ये विचार करते 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 कि क्यों नहीं शालग्राम से भी श्री अंग वाले भगवान प्रकट हो सकते हैं, ऐसा विचार करते करते सो गए। नेक्स्ट डे जब उठे, मतलब कौन सा दिन, वैशाख पूर्णिमा का चतुर्दशी के बाद वाला दिन, तो बाद वाले दिन में क्या हुआ, दामोदर नाम की शिला के अग्रभाग से स्वयं राधा रमन के प्रकट हो गए। अभी तो ये खुले भी नहीं है, जैसे प्रमाद हो गया तुम्हारे कोई, हाँ मेरे पास है, मेरे पास देखो देखो ये रुमाल है ना, तो ऐसे शालग्राम जी को सुलाया हुआ, ऐसा दर्शन हो रहा है रात सुबह, आप देखिए तो ऐसा है, लेकिन जब सुबह उठे ना तो ये ऐसे हो रहे थे, सब दिखा रहा हूँ बराबर से आपको, ठीक से दिखा रहा हूँ, ऐसे है रात में ऐसे है दर्शन, सुबह जब उठे तो ये ऐसे हो रहे थे। तो झट से जमुना जी में गए, झट से स्नान करके आए और फिर ये जब निकाला तो ये शिला में से ऐसे ठाकुर जी प्रकट हो गए। कितने अलग अलग चार उंगली मेरे ऊपर चार उंगली, एक बार ये चार उंगली, ये बारह उंगली जो है ना इतने आकार के हैं, ऐसे नीचे शालग्राम शिला है और ये बारह उंगली के ठाकुर जी प्रकट हो गए। इतने सुंदर अंग जैसी शालग्राम की शिला होती है, चिपनी चिपनी काली रंग की, बहुत आकर्षक, वैसे ही इनके श्रेयंग थे और इतने छोटे होने पर भी उनके हर एक श्रेयंग इतने महीन, इतने फाइनली डेवलप थे कि वो देखकर उन्होंने सब रूप गोस्वामी सबको बुलाया, अपने सीनियर वैष्णवों को, सब सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी सभी गोस्वामी उनके मंदिर में आए और गौर से देखा इनको। तो क्या कहा उन्होंने, इनके चरण कमल जो है वो साक्षात मदन मोहन जी की तरह, इनका जो वक्षस्थल है वो साक्षात गोपीनाथ भगवान की तरह, इनका जो सुंदर मुख कमल है देखो कितने सुंदर हंस रहे, दिखाई पड़ रहा है ना वहां पर, राधा रमण की इच्छा थी कि आपको दर्शन दे, इसलिए वो चल रहा है जिले भी। देखिए ये रूप गोस्वामी ने कहा कि जो प्रमुख हमारे विग्रह है वृंदावन में और उनके तीन प्रमुख विशेषताएं हैं, किसी के चरण कमल, किसी का वक्षस्थल, किसी का मुख कमल, साक्षात भगवान जैसा है, तो कहते हैं कि तीनों के जो चिन्ह है ये एक ही मूर्ति में विराजमान,
तो इनका नाम रूप गोस्वामी ने रखा रहा था रमण देव भगवान। रूपा जी कहा करते थे अगर आपको वृंदावन में जाने का समय मिलता है और बहुत कम समय है आपके पास और आप केवल एक ही मंदिर कर सकते हैं तो आपको राधा रमण के मंदिर जाना चाहिए। अगर थोड़ा फुर्सत है आपके पास तो आपको सातों मंदिर दर्शन करना चाहिए, मदन मोहन जी, गोविंद जी, गोपीनाथ जी, दामोदर जी, श्याम सुंदर जी, गोकुलनंद जी, राधा रमण जी, सातों करना चाहिए। ये हमारे गौड़ियों का नियम है। और अगर सातों का करने का समय नहीं है, थोड़ा कम समय है, तो गोविंद जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी का तो करना ही चाहिए तीन। और उतना भी समय नहीं है, एक ही करने का समय है, तो राधा रमण के मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि मदन मोहन जी, गोविंद जी, गोपीनाथ जी का तीनों का दर्शन इनके विग्रह में होता है। और एक रूपा जी कहते थे कि अगर आपको डीटी वर्षिप यानी अर्चा विग्रह की पूजा सीखनी है, कैसे करनी चाहिए, क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो आपको राधा रमण के मंदिर में जाना चाहिए। आज भी उनके मंदिर में जो सेवा का स्टैंडर्ड है वो बहुत श्रेष्ठ दर्जे का है। अभी आप दिल खोल के राधा रमण के दर्शन कीजिए। ये शरद पूर्णिमा का दर्शन है, ये देखिए नजदीक से एकदम शरद पूर्णिमा का दर्शन। शरद पूर्णिमा में सभी मंदिरों में विश्व भर में भगवान को सफेद वस्त्र पहनाते, चांदनी जैसे वस्त्र पहनाते। और राधा रमन जी का नाम एक वैशिष्ट है, राधा रमन जी कभी भी कोई भी श्रृंगार दोबारा नहीं पहनते। देखो एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। हर रोज उनके सामने कुछ 17-18 ड्रेसेस तैयार रहते, एवरी डे पूरे एकदम रेडी पहने लायक। ऐसा नहीं कि हमें अच्छा लगा तो कल पहन के फाइनल कर देंगे, ऐसा नहीं, रेडी वस्त्र रहते हैं। और अभी 17-18 वस्त्र में से कौन सा वस्त्र उनको पहनाना है, तो पुजारी क्या करते हैं, जो इनकी सेवा है वो क्या, कुछ 40 परिवार है, उनके साल भर में टर्न बाय टर्न विभाजित सेवा थी। और किसी गोस्वामी को तो चार बच्चे हुए, चार पुत्र हुए, तो फिर वो सेवा चार भाग में बढ़ जाती, एक ही पुत्र हुआ तो एक ही उसकी हिसाब से चलते रहते। तो जिसकी सेवा है वो कैसे तय करते हैं कि कौन सा वस्त्र पहना है, तो क्या करते हैं, तुम ये तो क्या मान लो मुझे ये वस्त्र है, ऐसे ऐसे उठाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, जो वस्त्र पसंद आता है ना, तो राधा रमन जी दांत दिखाते हैं, और अगर दांत नहीं दिखाया तो वस्त्र को नीचे रखेंगे, दूसरा लेंगे फिर दिखाएंगे, तीसरा लेंगे फिर दिखाएंगे, जब तक दांत नहीं दिखाएंगे तब तक दिखाते रहेंगे, और जो दिखा के दांत दिखाए वो वस्त्र उनको पहना दे। आप देखा ना, अभी देखो दांत दिख रहे हैं आपको, देखो अरे क्या नहीं दिख रहे, देखो लेफ्ट में देखो, जो मोतियों की माला पहने हुए सर पे वो देखो, मुख में देखो दांत दिख रहे कि नहीं, राइट में भी देखो दांत दिख रहे कि नहीं दिख रहे, ठीक से देखो। ठाकुर जी का जो है ना, तो एक है देखना, दूसरा है निहारना, एक है सीइंग, एक है बिहोल्डिंग। दिख रहा है कुछ दांत वात, ठीक से देखो गौर से एकदम, देखो इसमें लेफ्ट वाले में है, राइट वाले में नहीं है। और एक तिथि में, एक कोई तिथि है, देखो क्या लिखा है, दशहरे की तिथि में राधा रमन जी हाथी पर सवार हो जाते हैं। राधा रमन जी इतने से राधा रमन जी, हाथी का साइज देखा तुमने, इतना साइज है बड़ा, उस पर विराजमान हो जाते हैं, वो पूरा उनका आसन हाथी पर रखा जाता है दशहरे के दिन। तुम्हें जाइए दशहरे के दिन कार्तिक महीने को, ये देख लीजिए पूरे फूलों का श्रृंगार है, बहुत सुंदर है ये, मैंने आज तक का देखा हुआ, इतने सालों में देखा हुआ सर्वोत्कृष्ट श्रृंगार है। तो वस्त्र कोई है नहीं, उनकी लंगोटी भी जो है वो फूलों की कलियों से बनी हुई। अरे हमारे प्रिय जो पुंडरीक गोस्वामी जी है, उनकी सेवा में इनका श्रृंगार किया गया, उन्होंने अपने हाथों से किया है श्रृंगार कलियों का। फिर देखिए दांत दिख रहे हैं कि नहीं, हाँ अभी देखो बराबर से, अभी सब लोग मुंह में देख रहे हैं उनके, तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये कैसा है ना, जैसे मुझे वो कालिया घाट पे वो दिखाया था ना मटका, तब तक कभी मटका देखा नहीं था मैं, अब जब जाता पहले मटका देखता हूँ। संत लोग दिखाते हैं तब हमको वहां पर पता चलता है क्या है, देखो इसमें दोनों में दांत नहीं दिखाई पड़ रहे, दिख रहे क्या इसमें, किसी को दिख रहे हैं प्रेम से। अब देखिए ये क्या है, मदन मोहन जी के चरण को, साक्षात राधा रमन जी के चरण को,
बहुत सुंदर है, इतने से उनके अलंकार होते हैं, छोटे छोटे से, इतने से इतने से हाथ और उनका क्या कहते हैं उसको, उत्तरीय वस्त्र और लहंगा फरिया उनका रहता है। और ये हमारे परम गुरु महाराज, हमारे गुरुदेव राधानाथ महाराज जी, राधारमन जी का दर्शन। 2019 में आखिरी यात्रा जब हुई थी, तो यात्रा समाप्त होने के बाद हम सब लोग उनके गोस्वामी को मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए गए। और यह है श्रीवत्स गोस्वामी, और ऊपर के फोटो में पद्मनाभ गोस्वामी। ये पद्मनाभ गोस्वामी के पिताजी थे विश्वंभर गोस्वामी, ये हमारे प्रभुपाद जी के बहुत अच्छे मित्र थे, और प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत जी इनके भी अच्छे मित्र थे, और बुजुर्ग प्रभुपाद जी के गुरु जी के पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर इनके भी अच्छे मित्र थे, और भक्ति विनोद ठाकुर भी उनके घर में आकर रहा करते थे, उसकी डायरी में नोंद है उनके पास। भक्ति सिद्धांत जी भी एक बार प्रचार करने के लिए आए थे, इनके घर में रुके थे पद्मनाभ जी गोस्वामी के घर पे। तो लाला बाबू के मंदिर में वहां पर सत्संग हुआ था, तो उसके बाद में हजारों की भीड़ वहां पर कथा में आई थी, और कथा होने के बाद में उन्होंने सबने जिद किया कि हमको महाराज जी के चरण छूने, भक्ति सिद्धांत जी महाराज के, जैसे वैष्णव आचार्य कभी अपने चरण कमल किसको देते नहीं है शरण कमल, लेकिन इतनी भगदड़ मच गई कि पुलिस को आना पड़ा, और पुलिस ने हाथ जोड़ के महाराज जी को बताया, महाराज जी अगर आपके चरण कमल नहीं देंगे उनको स्पर्श करने के लिए, इन्हें भीड़ यहाँ से हटने वाली नहीं, यहाँ पर दंगा फसाद हो सकता है। बड़े ही मजबूरी से अपने चरण कमल उन्होंने टेबल पर रखे और सबने दर्शन किए, सब भीड़ भाड़ से खत्म हो गई। ये सब उन्होंने डायरी पे लिखा हुआ दिखाया हमको, मुझे गुरु महाराज को डायरी खोल के दिखाया है, और लास्ट में हमारे प्रभुपाद जी भी वहां पर जाया करते, और पद्मनाभ जी गोस्वामी उनको मिले हुए कई बार वृंदावन में। तो ये श्रीवत्स गोस्वामी, उनको राधानाथ महाराज जी मिले। और ये देखिए ये क्या है, ये है कुलिया प्रसाद, ये एक अद्भुत प्रकार का खीर जो है वो मंदिर में मिलती है। वहां के गोस्वामी क्या बताते हैं, ये कुलिया प्रसाद देखिए, इसका जो कुलिया है ना वो गोल्डन क्या कहते हैं सैफरन रंग का है, केशरी रंग का है, उसके जो मटकी है छोटी सी उसको कुल्लड़ कहते हैं या कुलिया कहते हैं, कुल्लड़ थोड़ा मोटा होता है बड़ा होता है, कुलिया यानी छोटा वर्षन उसका, उसके अंदर ये अद्भुत खीर बनाते हैं और उसको भी डालते हैं गर्म गर्म, फिर भोग लगाते हैं राधारमन जी को और सबको वितरित करते हैं। तो गोस्वामी क्या बताते हैं, ये कुलिया साधारण कुलिया नहीं है, ये साक्षात चैतन्य महाप्रभु है। चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद में कौन सा रंग का वस्त्र पहनते थे, केसरी रंग का वस्त्र पहनते थे, और चैतन्य महाप्रभु का हृदय में कौन था, राधा रानी, राधा रानी का रंग कौन सा है, गौर वर्ण है, तप्त कांचन गौर गौरांगी है ना, तो बाहर से सैफरन वस्त्र पहना हुआ और हृदय में राधा रानी का भाव है, ये है वो कुलिया, और इसी भाव से उसको भोग लगाते हैं, इसी भाव से उसको लोगों को देते हैं, और हमें भी उसी भाव से उसको ग्रहण करना चाहिए। हम सब भक्त लोगों को क्या बताया जाता है, वो खुरड़ खुरड़ कर हम लोग निकालते हैं, और उसका भी उन्होंने बताया हुआ है कि ये पांच उंगलियां जो है ना उसका हर एक का एक नाम है और एक का एक काम है, लेकिन ये उंगली जो है ना इसको सबसे अशुभ माना गया, क्यों पता है आपको क्या कारण है इसका, सबका बुरा भला इसी उंगली से करते ना, ये आदमी वो आदमी, ये माता जी ऐसी है वैसी है, तो ऐसा निर्देश करते हैं आप लोग कभी, क्या कैसा करते निर्देश कभी किसी, ऐसा ही करते ना, तो इसको अशुभ माना गया है, इसलिए किसी पूजा में इसको स्थान नहीं है, जब में भी स्थान नहीं है इसको, जब में बाहर रखना पड़ता है, तो बाहर कटे तो माला के बाहर चले जाओ, अंदर अंदर माला घुमाते है कि नहीं। तो ये उंगली ने भगवान से एक बार कंप्लेंट किया, भगवान हमारे हमारे लिए आपके पास कोई सेवा ही नहीं है, तो राधा रमन जी ने कहा कि तुम्हारे लिए विशेष सेवा है कि मेरा प्रसाद जो कुलिया प्रसाद है यही उंगली से खाया जाए, आज भी नियम है, अगर आप चाहेंगे राधा रमन जी के मंदिर में तो गोस्वामी जी आपको बताएंगे कि यही खाना है, इसे ही खाना, तो इससे जब खत्म हो जाता है तो फिर इससे बचा हुआ निकालना। तो ये मेरी रहस्यमय बातें, वो ये सब बातें किस शास्त्र में लिखी नहीं है, जब संतों के संग में बैठेंगे, गोस्वामियों के संग में बैठे हैं जो रोज रोज इनके लाल लड़ाते हैं, उनके पास ये रहस्य की बातें पता चल, है ना। इसलिए मैंने कहा था कि वृंदावन में जाना यानी साइड सीइंग नहीं है, ऐसे संतों के साथ बैठना है और ठाकुर जी के अंदर की बातें आपको समझनी है। राधा रमन जी का एक और एक विशेषता है, एक तो प्रहलाद जी ने अंगुली निर्देश किया और खंभे से भगवान प्रकट हो गए, तत्क्षण इच्छा पूर्ति हो गया, तो भगवान भी सौराष्ट्र भगवान भी है और इच्छा तुरंत पूर्ण करने वाले भगवान,
मैंने अभी अभी किसी आईसीयू में वेंटिलेटर में पेशेंट था हमारे पहचान का, तो उसके लिए उधर नरसिंह भगवान की मैंने पूजा करवाई, उसी समय से उनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया, हीमोग्लोबिन बढ़ गया और अभी वेंटिलेटर से हट गए और अभी वार्ड में जाने में। देखो नरसिंह भगवान हमारे कई लोगों के जीवन में चमत्कार देखा है उनकी पूजन करने के बाद, और उनकी याद करके गोपाल भट्ट गोस्वामी ने क्या सोचा कि अगर खंबे से आ सकते तो ये शिला से क्यों नहीं आ सकते, उसी एक रात में प्रकट हो गए वो। इसलिए उनकी विशेषता क्या है कि वो भक्त की इच्छा प्रामाणिक इच्छा तत्क्षण पूरी करते हैं। अभी समय की थोड़ी कमी है इधर, संक्षेप में बताने के बाद हमारे गुरुदेव उनका नाम था रिचर्ड स्लाविन, जब अमेरिका से घर छोड़कर यहाँ पर आए तो उनका वीजा समाप्त हो गया था, और समाप्त होने के बाद बहुत दिन भी बीते गए ना कि कल समाप्त हो गया, तो बोला ठीक है एक दिन का एक्सटेंशन दे दो भेज दो इनको, काफी हफ्ते निकल चुके थे। पैथोलॉजिकल डिले उसका एक ही नतीजा हो सकता है, आपको इंडिया में परमानेंट आने से बैन कर सकते, इतना ओवरस्टे किया, यहां तक कि वारंट निकला। और 1972 में पूरे वृंदावन में केवल दो फॉरेनर थे, एक असीम कृष्ण प्रभु और एक रिचर्ड स्लाविन, ओनली टू पीपल वर। इसलिए पूरे वृंदावन में सबको पता था क्योंकि दो ही विदेशी थे तो सब जानते थे, तो सबने उनको बताया पुलिस आपके नाम से सबको ढूंढ रही है, ये व्यक्ति किधर है, अभी अगर पुलिस के हाथ में गए तो पुलिस स्टैंप मार देंगे और उनको रस्टिकेट कर देंगे, वापस कभी इंडिया में नहीं आ सकते। और तब तक 6 महीने हो चुके थे और तब तक राधानाथ महाराज जी हमारे रिचर्ड स्लाविन वृंदावन से इतने आसक्त हो चुके थे कि परमानेंट लाइफ लॉन्ग वृंदावन में रहने का निर्णय लिया था, लेकिन भाव विमूढ़ता में वीजा तो समाप्त हो गया, उनको पता ही नहीं चला। तो एक दिन तो लोही बाजार में पुलिस ढूंढ रही है, सब जानते थे उनको, तो बताया अरे तुम्हारे पीछे पुलिस पड़ी है तुम क्या कर रहे हो, तो वो जमुना जी के किनारे में आपको दिखाया ना चीरघाट का कल्पेट दिखाया ना, उसके तले रहते थे वो जमुना, एक ही वस्त्र पहनते थे, सर्दी में भी बिना ब्लैंकेट के वहां सोते थे, सुबह 5 बजे उठते थे वहां पर ठंडे पानी स्नान करते थे, वही वस्त्र दोबारा गले पहनकर राधा रमन जी की मंगला करते थे, 5 बजे होती है मंगला, तो राधा रमन की मंगला होने के बाद अंधेरे रास्ते में जाकर राधा बल्लभ की 6 बजे की मंगला करते, और वहां के गोस्वामी से मिलते थे राधेश लाल जी महाराज, उनका रोज का रूटीन था। लेकिन एक दिन बहुत अति 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 हो गया, तो रोते रोते वो स्नान करके मंगला में गए राधा रमन जी के, और गिड़गिड़ा कर रोते रोते प्रार्थना किया, राधा रमन जी अगर आपकी इच्छा है तो मेरे वीजा के विषय में कुछ चमत्कार करें ताकि मैं यहाँ से जुदा ना हो जाऊं वृंदावन से, हाँ अलग ना हो जाऊं, और वहां से निकले। और आज भी वो रास्ता मुझे पता है, वहां से निकलता है सेवा कुंज होते होते राधा वल्लभ जी के मंदिर में आता है, बहुत पिच डार्क मंदिर है, तो लाइट की व्यवस्था भी नहीं रहती, तो जब महाराज जी राधा रमन के मंदिर से गली से गली निकलते तो सेवा कुंज के पास में आए तो बहुत पिच डार्क था, तो जब सेवा कुंज के गेट पर आए मतलब रास्ता में, तो अचानक उनके पैर में किसी जानवर के दांत घुसे, हो सकता है कुत्ता हो या हो सकता है कोई जानवर हो, लेकिन छोटा सा आवाज आया, हो सकता है कुत्ता हो या हो कोई पता नहीं, कुछ दिखाई तो नहीं पड़ा, लेकिन बहुत तीक्ष्ण दांत उनके पांव के पोटरी बनते ना काफ काफ के अंदर घुस गए और बाहर निकले, और वो आवाज जो है वो प्राणी की दूर चली गई, मतलब वो प्राणी जो है वो काट के चला गया, हो सकता है कुत्ता होगा। अभी क्या करेंगे, बीच रास्ते में अंदर अंधेरे रास्ते में सेवा कुंज के मुख में खड़े हैं, पीछे जाए तो भी रास्ता दिखता नहीं, आगे जाए तो पता है रास्ता राधा वल्लभ जी का, तो वैसे ही जख्मी पांव लेकर चलते 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 राधा वल्लभ जी के मंदिर पहुंचे, धीरे 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 पांव से तो बहुत खून बह रहा था, दर्द भी बहुत हो रहा था, लेकिन कोई रुकने का चांस नहीं था, लेकिन जब राधा वल्लभ के मंदिर पहुंचे तो वहां बल्ब था, थोड़ी सी लाइट थी सफेद रंग की, तो देखा तो क्या इनके पांव के काफ, क्या कहते उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पोटरी काफ काफ क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं, काफ काफ मसल, वहां से खून की धार लगी हुई है, राधा वल्लभ जी के मंदिर में गेट से लेकर यहां तक ये चल रहे हैं वहां तक खून की धार बह रही है, और राधेश्वर गोस्वामी बोल रहे हैं अरे क्या हुआ तुम्हें रिचर्ड, तुम्हारे चरणों में से पैर में से इतना खून बह रहा है, तब इन्होंने देखा इतना खून बह रहा है, राधेश्वर जी कहते हैं कि जरूर कुत्ता काटा है,
सुना ना वर्णन सुना कैसे, जो भी अंदाज लगाया है। देखो पागल कुत्ते ने काटा है ना, तो उस जमाने में पेट में 14 इंजेक्शन दिया करते, आपको पता है, तो मेरे बचपन की बात है, पेट की चमड़ी खींच कर उसमें बहुत दर्दनाक इंजेक्शन लगाए जाते हर रोज एक। और इसलिए कोई बोलते थे कुत्ता नहीं काटना चाहिए कभी किसी को, बहुत भयंकर काम हुआ है। अभी अगर कुत्ता काटने का इंजेक्शन लेना है आपको रेबीज इंजेक्शन, तो केवल गवर्नमेंट के दवाखाने में मिलता है, और गवर्नमेंट का दवाखाना रंगजी मंदिर के पास, रंगनाथ जी के मंदिर के पास, पुलिस स्टेशन के बाजू में था। तो अगर आपको वहां जाना है तो पुलिस के सामने ही जाना पड़ेगा आपको, आप भाई मुझे मार, है ना, पुलिस आपको ढूंढ रही है, पुलिस सामने ही प्रकट हो रहे हो, तो संघर्ष हो गया ना, अभी क्या करें। तो राजस्थान जी बोले गोस्वामी जी देखो मर जाओगे तुम, कुत्ता पागल कुत्ता काटेगा तुम कुत्ते जैसे बन जाओगे पागल, मृत्यु मृत्यु निश्चित हो जाएगी एक महीने के अंदर आपको। सब लोगों ने उनको मनाया कि नहीं नहीं आपको अभी जाकर गवर्नमेंट के ऑफिस में दवाखाने में अपने आपको प्रस्तुत करना ही पड़ेगा। तो गए गवर्नमेंट के ऑफिस में, दिखाया, उन्होंने कहा जरूर कुत्ता काटा आपको, आपको 14 इंजेक्शन देने पड़ेंगे। तब तक पुलिस आ गई वहां पर, देखा तो वीजा पूरा एक्सपायर्ड है उनका, क्योंकि डॉक्टर ने वहां पर सर्टिफिकेट दिया कि भाई इसको 14 दिन रहने दो यहाँ पर, इसके जिंदगी और मौत का प्रश्न है यहाँ पर, तो 14 दिन का एक्सटेंशन तो मैं मेडिकल अधिकार में देता हूँ, 14 days एक्सटेंशन, ताकि रोज आएगा एक इंजेक्शन लेगा, तब तुम उसको अरेस्ट करना, जो करना आगे करना तुम्हारी कार्रवाई, मेरा काम दवाई देना है उसको। तो 14 दिन वहां पर, आज भी वो दवाखाना मुझे बताया कहाँ पर है, रघुनाथ आश्रम के बाजू में है, पुलिस चौकी के बाजू में, रंगनाथ जी के आश्रम के पास में, गोविंद जी इस तरफ, रंगनाथ जी उस तरफ, बीच में गवर्नमेंट की एरिया है। तो वहां पर 14 दिन का इंजेक्शन लिए, फिर पुलिस ने उनको अरेस्ट किया, तो बहुत गिड़गिड़ाए महाराज जी, बोले मुझे अभी रस्टिकेट मत करो, मुझे यहाँ पर भारत में आना है, मुझे वृंदावन से बहुत प्रेम है। तो उनका दयनीय भाव देखकर पुलिस ने कहा देखो मैं तो यहाँ का पुलिस हूँ, यहाँ का चौकी का इंचार्ज हूँ, मैं तो मालिक नहीं हूँ, यहाँ पर और भी डिपार्टमेंट बहुत सारे हमारे ऊपर है, हम रिपोर्ट करते हैं। तो उनको बताया कि इसके आपके ऊपर कौन है, आपके ऊपर कौन है, सबको जाके मिले, सबने देखा कि इतना एक्सटेंशन वीजा का हो गया है, कोई भी व्यक्ति आपको मुक्त नहीं कर सकता है, नॉट पॉसिबल। आपको क्या पता है इतनी तीव्र इच्छा है वृंदावन रहने की, हर एक स्टेज पे फेल होते जा रहे हैं। आखिर बताए कहां पहुंचे, गृह मंत्री के पास पहुंचे, केंद्रीय गृह मंत्री, महाराज जी को अभी नाम याद नहीं कौन था वो, उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सबने मना कर दिया कि नहीं हो सकता है, ये कायदे में नहीं बैठ सकता। तो उन्होंने कहा कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जो होम मिनिस्ट्री है वो कुछ चमत्कार कर सकते। उनके पास कैसे पहुंचे, देखो जटाधारी 19 साल का लड़का, फॉरेनर, इसके टूटी कौड़ी भी जेब में नहीं है, फकीर दिखाई पड़ता है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई किसी का लेटर नहीं उसके पास, कोई वसीला नहीं है उसके पास, लेकिन जिद से आगे 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 गए। तो गृह मंत्रालय के अंदर गए, सीपीए से मिले, गृह मंत्री केंद्रीय गृह मंत्री से मिले, उसने देखा इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, तुम्हारे जो चरणों में गिरे, ऐसे भाव लेकर हाथों से हाथ 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 जोड़कर ऐसे भाव से प्रार्थना किया महाराज जी। उनको बताया अधिकारी जी आपके हाथ में है, मैं आपके देश से बड़ा प्रभावित हूँ और वृंदावन से मुझे बहुत प्रेम हो गया है, अगर आप कुछ करते हैं तो मैं जीवन भर के लिए वृंदावन से आउट हो जाऊंगा, भारत में प्रवेश करने के योग्य नहीं हूं, और सब आपके हाथ में है। पता नहीं उस गृह मंत्री के मन में क्या दया आई, उसने इनके आंखों में देखा, उन्होंने इनकी आंखों में देखा, 2-3 मिनट आंखों में आदान प्रदान हुआ, सीधा स्टैंप मार दिया, जितने दिन इनवैलिड था सबको वैलिड कर दिया, एक्सटेंशन दे दिया। तो महाराज जी वहां से दिल्ली गए, दिल्ली से बैग पकड़ के अपने घर गए, और फिर दोबारा लौट के आज भी वापस आते रहते हमेशा। देखो ये सब चमत्कार कहां से हुआ, राधा रमन के मंगल आरती में प्रार्थना किया था आप कुछ ऐसा चमत्कार करो। तो कुत्ता काटने का जो योजना था राधा रमन जी का योजना था, हमको कई बार लगता है कि अरे क्यों कुत्ता काटा, अभी ऑलरेडी परेशानी है, युद्ध समाप्त हो गया उससे कुत्ता काटा है, अभी और एक परेशानी भगवान ने जोड़ दी, नहीं भगवान जोड़ने नहीं समस्या को, समस्या का समाधान कर रहे हैं, कृष्णा इज ट्राइंग टू हेल्प यू, बट इट अपीयर्स एज अ प्रॉब्लम इन द बिगिनिंग, बट व्हेन यू गो थ्रू द होल सिचुएशन देन यू कम टू नो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम इट्स अ सॉल्यूशन। हमारे यहाँ पर जो भी हम लोग सोल्यूशन करते हैं ना और एक प्रॉब्लम बनता है, एवरी सोल्यूशन इन द मटेरियल वर्ल्ड इज अनदर प्रॉब्लम,
whatever Lord does is not a problem. It's a solution of all the problems. Hari Bol. तो मैं ये कह रहा था कि राधा रमन जी इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है, जो दिल से उनके पास खड़े होकर प्रार्थना करता है उनकी तत्क्षण इच्छा पूरी करता है। ये क्या है, ये राधा रमन के मंदिर में गोवर्धन की पूजा इस प्रकार से मनाया जाता है। गोबर से वो गिरधारी बनाते हैं जमीन पर, उनके नाभि में शालिग्राम चिन्ह रखते हैं, उनका पूजन करते हैं। अभी आपने प्रश्न नहीं किया होगा शायद, 12 शिलाएं थी और एक दामोदर शिला के अंदर से मुख सामने अग्रभाग से ठाकुर जी प्रकट हो गए, तो बाकी जी 11 शिला किधर गई? तो अभी भी उस मंदिर में है और अभी भी रोज बड़े सुंदरता से उनकी सेवा होती है। और 12वें शालिग्राम शिला जो है वो उनके पैर के पीछे है, अभी भी है वो, इसके आगे से वो निकले हुए हैं, उनको भी लेकर श्रृंगार करते। जब औरंगजेब का आक्रमण हुआ था ना, तो सारे ठाकुर वृंदावन के बाहर चले गए और ये छोटे से ठाकुर जी हमारे उनको बिस्तर के नीचे छुपाया गया। इसे औरंगजेब के आतंक में सब ठाकुर जी हमारे राधा कुंड, कोई कामेवन, कोई जयपुर, कोई करौली, सब जगह पहुंच चुके। ये राधा रमन जी अकेले बिक रहे हैं जो ब्रज के बाहर में, अभी भी वही विराजमान। अभी देखिए इनके मंदिर के अंदर हर रोज सुबह और शाम यानी कि 6 बार जो 6 भोग लगाते हैं, वो हर भोग के साथ एक एक गीत गाते हैं, उस भोग के अनुकूल, उस समय के अनुकूल, ऋतु के अनुकूल। अभी हम लोग, अभी मैं कुछ कुछ चीजें आपको बताऊंगा, अभी आप आगे जाकर चिंतन करना उसके। संध्या भोग को वृंदावन में व्यारू कहते हैं, व्यारू यानी संध्या भोग, शाम का भोग। भगवान के 6 भोग होते हैं ना, एक बाल भोग होता है जो दर्शन करने के पहले लगाते, उसके बाद में एक भोग उत्थापन भोग होता है, उसके बाद एक बाल भोग होता है जो दर्शनार्थी के बाद में देखा, उसके बाद राजभोग होता है, 4 हो गए ना, फिर उत्थापन भोग दोपहर में उठने के पहले देते, फिर संध्या भोग, फिर शयन भोग, 6 भोग उनको लगाते, शायद मैंने 7 बताया आपको, लेकिन 6 भोग लगाते। तो संध्या भोग जो है संध्या आरती के पहले लगाते, उसको व्यारू कहते हैं। राधा रमण जुगो व्यारू कीजे, राधा रमण को व्यारू कीजे। और फिर हमारा कैसा है वो भजन, भज भगत वत्सल श्री गौर हरि, और सारे व्यंजनों का नाम लिया गया उसके अंदर, बड़ी क्या क्या बंगाली नाम दिए गए सब व्यंजनों के, क्या क्या भोग लगाया जा रहा है उसका वर्णन होता है। ठाकुर जी को भक्त बता रहा है, ठाकुर जी ये भी बनाया है आपके लिए, वो भी बनाया है, उसको भी आप स्वीकार करो, इसको भी खाओ, ये मीठा भी बनाया है, नमकीन भी बनाया है, ये बंगाली आइटम बनाया, उसको भी खाओ, ऐसे करके वो गीत में उनको प्रेम से लड़ाते हैं, उनको खिलाते हैं, आरोपते हैं खाना। वैसे ही ये ब्रजभाषा में भोजन भजन है, इसमें हर प्रकार के व्यंजन का नाम दिया गया है और हर एक व्यंजन जो है ना वो ठाकुर जी के लीला से संबंधित है। फॉर एग्जाम्पल, कितने लोगों ने जलेबी खाई है जीवन में? सब लोग जलेबी खाते हैं, मुझे बहुत जलेबी पसंद है, मुझे मीठा खाता नहीं हूं, लेकिन जलेबी बहुत अच्छी चीज है, वो भी घी में तली हुई अगर होगी, और अगर खांड में जिसपे चाशनी बनाई है, शक्कर के नहीं, खांड यानी क्या, मिश्री, मिश्री की चाशनी बनाई है और गाय के बिलोने वाले घी में जिसको तला हुआ है, ये जलेबी के क्या कहने। तो कहते हैं कि जब सखियां रास नृत्य करती है तो एक दूसरे के हाथ पकड़कर गोल गोल घूमती है, आपको समझ में आया, उसको क्या कहते हैं, फेर लगाती है कृष्ण को बीच में रखती, वो जलेबी है। अगली बार जलेबी खाओगे ना तो याद करना कि सखियां गोल गोल नृत्य कर रही, ठीक है। तो जलेबी का आगे का क्या है प्रकार बताओ, हायर वर्शन ऑफ जलेबी, इमरती है ना, इमरती है ना, इमरती को कैसे बनाते बताए आपको, ऐसे 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 कॉम्प्लिकेट करते हैं उसको, पूरा होता है गोली लेकिन बहुत बड़ी होती है। तो इमरती कैसी है कि जब भी सखियां बड़े बड़े घाघरा उसमें बहुत आईने लगे हुए हैं, कुछ घुंघरू भी लगे हुए हैं, कुछ कुछ अलंकार लगे हुए हैं, सिलाते हैं उसको, एम्ब्रॉयडरी करते हैं उसके, तो जब भी कुछ स्त्रियां गोल गोल हाथ पकड़ के गोल गोल घूमती हैं तो उनके जो घाघरा होते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, चनिया कहते हैं, छोटे क्या कहते हैं, चनिया कहते हैं ना, वो एक दूसरे में उलझ जाते हैं। अभी भी शादी कभी होती है ना, हम तो दुल्हन को लेके जा रहे हैं, सखियां भी बड़े बड़े घाघरा पहने हुए, तो कभी कभी दुल्हन का घाघरा सखी के साथ उलझ जाता है, तो तीसरी सखी आकर उसको सुल जाती है
दुल्हन का घाघरा था क्या उसके। तो ऐसे सभी सखियां गोल गोल नाचती हैं बड़ा बड़ा घाघरा पहनकर, तो उनके सारे घाघरे जो है वो उलझ जाते हैं, वो इवरती है। फिर ठाकुर जी देखते हैं कि सखियों की घाघरा उलझ गए हैं, तो ठाकुर जी जाकर अपने कोमल उंगलियों से उनको छुड़ाने का प्रयास करते। जब वो छुड़ाने का प्रयास करते ना, तो सखियों को उनकी उंगलियों के स्पर्श का अनुभव होता है, और उस उंगलियों के श्री अंग के स्पर्श से जो भाव उभरता है, उस भाव से सखियों के स्वेद जल निकलता है, जिसको हम हमारे भाषा में पसीना कहते हैं, लेकिन वो तो बड़ा दिव्य जल है। वो दिव्य जल जो स्वेद रूप में आता है वो बूंदी है। अभी आगे बहुत सारा वर्णन है, कभी मिलेंगे बताएंगे आपको। पूरे सारे व्यंजन जो है ये बेसन की लड्डू, ये सबके ऐसे ऐसे खुरचन, ये सब प्रकार के लड्डू, सबका सबका वर्णन दिया है। सभी व्यंजन जितने भी है वो ऐसे ही, कोई कपोल कल्पित बनाए नहीं गए हैं, ठाकुर जी के लीला के साथ संबंधित है, और उसी भाव से उनको लगाते हैं, उसी भाव से भक्त उसको ग्रहण करते हैं प्रसाद। ऐसा राधारमण जी का हर चीज जो है बहुत भव्य और दिव्य है। तो ऐसे ही हर भोग के समय पर देखिए, वीणा और वायलिन और हारमोनियम, मृदंग, ढोलक, ऐसे प्रकार पखवाज, सभी शास्त्रीय संगीत के द्वारा उनके इनके हर एक भोग का वर्णन था। वो भी सीजन के अनुसार, बारिश का मौसम, वर्षा ऋतु का मौसम है, कभी कार्तिक का मौसम है, कभी शरद पूर्णिमा का मौसम है। तो फोन को बंद कर दे जा, अभी आगे जाएंगे गोपाल भट्ट गोस्वामी के समाधि के पास। आपको पहले मैंने वो आसन दिखाया था, वहां पर भी वो रहते थे और वहीं पर राधारमण जी प्रकट हो गए। तो एक मंदिर है अंदर, और उसके बाहर जो पेड़ है वहां पर राधारमण जी प्रकट हुए थे, उसी के बगल में गोपाल पंडित जी के ध्यान होने के बाद उनकी समाधि बनाएंगे। ये उनके समाधि का दर्शन कीजिए, ये गोपाल पंडित जी लाडले जी, हाँ, गोपाल पंडित जी कृपा से प्रकट, गोपाल पंडित जी के भजन के प्रभाव से राधारमण जी इस विष्णु प्रकट हुए। तो फिर आगे हम चलते हैं दूसरे मंदिर में, कितना समय है, 10 मिनट बाद, तो प्रॉब्लम नहीं। एक काम करते हैं हम लोग ना, राधा दामोदर जी के मंदिर जाते अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे पूरे ब्रज के इतिहास में और ब्रज के परिक्रमा में राधा रमन जी का बहुत महत्व है, और राधा दामोदर जी का भी बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि राधा दामोदर जी मंदिर का इतिहास इतना 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 रोचक है। ये राधा दामोदर मंदिर का दर्शन है, देखिए अभी हम राधा दामोदर जी के मंदिर में धीरे धीरे प्रवेश करने जा रहे हैं, उल्टी गति से चल रहे हैं, लेकिन ये उल्लेख किए बिना वृंदावन का दर्शन परिपूर्ण और पर्याप्त नहीं हो सकता। तो ये है राधा दामोदर जी का मंदिर, ये सेवा कुंज में विराजमान है। सेवा कुंज वो विभाग है वृंदावन का, जहां पर कृष्ण भगवान गुप्त रूप में आज भी रास लीला रचाते हैं, और आज भी सेवा कुंज में शाम को जैसे सूर्यास्त होता है, कभी 7:30 को होता है, कभी 6:30 को होता है, गर्मी सर्दी में कभी 6 बजे को जाता है, 5:30 को हो जाता है, लेकिन जैसे ही सूर्यास्त होता है उस विभाग में दिन के समय पर हजारों बंदर रहते हैं, तो इतने उदन रहते हैं, आप पूछने देंगे तो माला भी छीन लेंगे आपको, तो माला भी खाने लगेंगे, कुछ ना कुछ तो देना है। दे विल जंप ऑन यू ऑन योर बॉडी, आपके कंधे पर आएंगे, आपके हाथ पर आएंगे, कुछ भी करके बैठ सकते हैं, लेकिन छोड़ेंगे नहीं आपको। लेकिन सूर्यास्त होते ही चींटी भी वहां से निकल जाती है, बंदर को कोई पता था नहीं, निकल जाओ, सारे खाली कर देते। संकेत ये है कि सूर्यास्त के बाद में रास लीला आरंभ होती है। और अभी हमारे देश विदेशी लोग होते ना, साइंटिस्ट लोग, बड़े सटके हुए दिमाग के रहते, कुछ कुछ लोग छुप जाते हैं, मतलब वहां पर ऐसे बहुत गलियां 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 ऐसे पेड़ों के बीच में से, पेड़ भी ऐसे अजीब है, बहुत ऐसे पीलू के पेड़ है, है ना, वो ऐसे निकलते जमीन से ऊपर, जमीन के पास से चले जाते, उनकी सारी ब्रांचेस जो है ना वो ऐसे क्रॉलिंग ब्रांचेस है, कभी ज्यादा ऊपर नहीं उठते, बरसाने में बाकी जगह पर ऊपर जाते, लेकिन सेवा कुंज में निधि वन में ऊपर जाते ही नहीं है, और भी एक दूसरे में शाखाएं फंस जाती है उनकी,
तो उसमें बहुत छुपने की जगह है, तो कुछ बुद्धिमान चालाक लोग से हम लोग छुप जाएंगे और देखेंगे क्या होता है क्या यहाँ पर। तो सेवा कुंज का ऐसा अंदर एक मंदिर है, वहां पर संध्या आरती लास्ट सूर्योदय के सूर्यास्त के आसपास होती है, और पूरा लड्डुआ का एक डब्बा जो है ना फ्रेश लड्डू बनाकर रखते, दूध का एक गिलास रखते हैं बहुत सुंदर सुगंधित जल रोज सिरप पर डाल के बनाते हैं, बहुत सुंदर फूलों की सेज बनाते हैं, लाल गुलाब के सुगंधी पंखुड़ियों की बेड बनाते हैं, मालाएं रखते हैं वहां पर, बहुत सारी चीजें रखते हैं, बीड़ी रखते हैं, बीड़ी बंदी क्या कहते हैं पान बीड़ा होता ना गोविंद बीड़ा वो रखते हैं वहां पर, इस भाव से कि अभी ठाकुर जी आएंगे, राधा रानी आएंगी, ललिता विशाखा सखी आएंगी, रास रचाएंगे, बीच में थक जाएंगे बीच रात में तो दूध पियेंगे, ठाकुर जी आकर शेष में विराम करेंगे विश्राम करेंगे, मूड आया तो लड्डू खा लेंगे, जो भी है सब सेवा में हाजिर है, और फिर हम सब लोग बाहर आते हैं, पुजारी शयन आरती करेंगे लास्ट 6:30 व्हाटएवर टाइम उस ऋतु के अनुसार आपको दिखाएंगे, देखो लड्डू रख रहे हैं, दूध रख रहे हैं, माला रख रहे हैं, शेष बना के रख रहे हैं, आप सबको दर्शन कराते हैं, देखो ऐसे ऐसे रख रहे हैं, कल सवेरे फिर आना मंगला में। तो अगले दिन मंगला 4:30 को होती है, तो लोग 4 बजे बाहर खड़े होते हैं, तो पुजारी का दरवाजा खोलते हैं, खुद भी अंदर जाते हैं, आपको अंदर जाके लिए बुझाते हैं, और बहुत देर तक वो पुजारी अंदर जाते हैं, और जब मंगला के दरवाजा खोलते हैं तो आपको लाके दिखाएंगे खाया हुआ लड्डू, पिया हुआ दूध, आधा खाया हुआ बीड़ी, और तितर बितर हो गया हुआ बिस्तर, तो रात को आपने ठीक से लगाया था, कोई बैठा हो तो कैसे हो जाएगा, कुछ दब जाएगा, कुछ बाजू में हो जाएगा, बीच में हो जाएगा, कुछ टुकड़े हो जाएंगे उसके, यूज किया हुआ बेड कभी आपको पता चलता है ना कि यूज किया हुआ है बेड, ये सारे चिन्ह आज भी दिखाई पड़ते हैं। इस श्रद्धा के साथ में आप किसी भी दिन जाइए वहां पर, और नेक्स्ट डे आप उसको ये सब दर्शन कर सकते हैं, तो प्रसाद भी आपको मिलेगा। तो कुछ लोगों को क्या लगता है कि आप रात को रह के देखेंगे एक्चुअली क्या चल रहा है, सत्य है कि नहीं? तो तीन चीजें होती है, अगर किसी ने ऐसी उद्दंडता दिखाने का प्रयास किया तो नंबर वन, ध्यान से सुनिए, दिल थाम कर, वो व्यक्ति अंधा हो जाता है। दूसरा चीज, अगर अंधा नहीं हुआ तो उसको लकवा मार जाता है, बिकम हेमिप्लेजिक पैरालिटिक, बोल ही नहीं पाएगा, लूला लंगड़ा होकर गिर जाएगा। और थर्ड चीज द फाइनल डेथ, मरा हुआ मिलेगा। ऐसे कितने विदेशी अपना हाई फाई कैमरा लेकर रात को छुप गए थे, सुबह वहां पर डेड मिले हुए, उनको बताया गया था ये नहीं करना है, डोंट डू दिस, क्या बकवास की बातें करते हैं, कौन कृष्ण कौन क्या लीला कर रहे हैं, तो खुद खाके लड्डू रखते होंगे, खुद दूध पके रखते होंगे और लोगों को उल्लू बनाते होंगे। लेकिन ये सब चीजें सत्य हैं, हमको साधुओं के वचनों पर विश्वास करना चाहिए, श्रद्धा से वृंदावन को अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए। वृंदावन इज नॉट अ प्लेस टू चैलेंज एनीबडी इंटेलेक्चुअली, वृंदावन ही भाव की जगह है, वो कर्म कांड की जगह भी नहीं है, वो ज्ञान कांड की जगह नहीं है, चमत्कार की जगह नहीं है, वो खाली दिव्य घटनाओं की जगह है, जहां पर नित्य क्षण हर क्षण भगवान की दिव्य लीलाओं का वहां पर आयोजन होता है। तो वो सेवा कुंज का जो एरिया है उसके अंदर कई स्थान है, एक सेवा कुंज है बीच में, वहां पर वो एक ललिता का कुआं भी है, क्योंकि रास में जब ललिता जी को प्यास लगी थी तो भगवान ने अपने मुरली से वहां पर कुआं खोदा और ललिता जी को पानी पिलाया। और एक सेवा कुंज की विशेषता है, चरण जाके दाबे गिरिधारी, रास में जब राधा रानी थक जाती है तो कृष्ण अपने गोद में उनके चरण कमल लेकर उनके चरण कमलों की सेवा करते हैं, राधा रानी का जो श्रम है उसका परिहार करते हैं। तो सेवा कुंज उसके लिए नाम पड़ा है उनका, यहाँ पर ठाकुर जी भी स्वयं अपने भक्त की, अपने प्रियतमा राधा रानी के चरणों की सेवा। तो बीच में मंदिर है जहां पर ठाकुर जी की सेवा होती है, उसके बाहर आएंगे आप तो राधा दामोदर जी का मंदिर मिलेगा एक तरफ, तो गली से आगे जाएंगे राइट टर्न लेंगे तो श्याम सुंदर जी का मंदिर मिलेगा, श्यामानंद गोस्वामी का, और दोनों के बीच में एक स्थान है नुपुर प्राप्ति स्थली, उसके बारे में बात बताएंगे। तभी हम लोग यहाँ पर राधा दामोदर मंदिर में प्रवेश करते हैं, 10 मिनट लूंगा आपका, फटाफट दिखाऊंगा। देखिए राधा दामोदर मंदिर में बीच में जो विग्रह है वो राधा और दामोदर जी के विग्रह है, और दामोदर जी के बाजू में छोटे से विग्रह जो है ललिता देवी के विग्रह, उसके बाजू में एक बड़े विग्रह दिखाई पड़ रहे हैं, उनका नाम वृंदावन चंद्र है, राधा वृंदावन चंद्र, वो दामोदर जी के राइट साइड में,
अभी आप लेफ्ट साइड में आएंगे तो जो राधा कृष्ण के निग्रह है वो है राधा माधव, वो जयदेव गोस्वामी के राधा माधव जी लिख रहे हैं। राधा वृंदावन चंद्र जो है वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी के लिख रहे हैं, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत का लेखन किया, उनके विग्रह हैं। और ये राधा रानी के लेफ्ट में जो राधा माधव जी है उनके लेफ्ट में और एक राधा कृष्ण जी है ना, उनका नाम है, ध्यान से सुनिए, राधा छैल चकनिया, शॉर्ट फॉर्म क्या है, छैलू। छैलू का मतलब क्या है, जो छल करता है, हमेशा छल करके सखियों को तंग कर, छैल चकनिया नाम। वो किसके विग्रह है, भूगर्भ गोस्वामी के सेवा एक पूजित विग्रह। और देखिए आगे चलेंगे, अलग श्रृंगार देखिए सभी लोगों का, बहुत सुंदर विध श्रृंगार करते हैं। और ये है गिरिराज गोवर्धन शिला, बहुत सारे चित्रपट मेरे पास है, देखो इसकी अद्भुत कहानी ऐसी है। सनातन गोस्वामी गोवर्धन में रहा करते थे, जब भी मदन पंज का मंदिर निर्माणाधीन था उस समय सनातन गोस्वामी गोवर्धन में चक्रेश्वर महादेव के पास भजन करते थे। उस समय हर रोज 40 किलोमीटर के गोवर्धन की परिक्रमा पैदल करते थे, हम लोग जो करते हैं ना वो 22 किलोमीटर की होती, बेलवा से उससे भी आधी करते हैं, छोटी परिक्रमा होती है, यानी राधाकुंड से लेकर दान घाटी तक आने वाले तक नहीं बढ़ते आगे, उसके बीच में से वो गोल खत्म कर, वो भी बोनाफाइड है। और गौड़ीय संप्रदाय के लोग जो है वो दान घाटी को पार करके आगे जाते हैं, गोविंद कुंड, पुष्टिका लोटा, सुरभि कुंड, वो सब करके रुद्र कुंड, जैसे पूरा करके तो वापस राधा कुंड के पास आते हैं, फिर वापस कुसुम सरोवर आते हैं, वो 22 किलोमीटर की। लेकिन एक दीर्घ परिक्रमा है जिसके अंदर चंद्र सरोवर, पेठा गांव, परमरास स्थली, ऐठा कदम, शिव सागर कुंड, श्री नारायण भगवान का मंदिर, ऐसे सब अद्भुत स्थान है। वो 40 किलोमीटर की परिक्रमा वो रोज सनातन गोस्वामी पैदल करते थे, पहले तो जवान थे, उसके बाद में उनके ऊपर 70 साल की हो गई, 80 साल की हो गई, फिर भी वो रोज करते हैं। तो भगवान को भी दया आई, एक बार भगवान कृष्ण बाल रूप धारण करके आए उनके साथ, बोले बाबा बाबा आप क्यों इतनी परिक्रमा लगा रहे हो, आपने जिंदगी भर परिक्रमा लगाई, आप तो सिद्ध हो गए हो, आपकी परिक्रमा सिद्ध हो गई है, अभी हम आराम कीजिए। नहीं बेटा मेरा तो व्रत है, मैं तो करूंगा ही, जब तक जान में जान है मैं व्रत करते रहूंगा, चलते रहूंगा, चलते 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 बोल रहे। बालक ने बहुत उनको मनाया, मत करो मत करो, बालक ही कैसे मानेंगे वो। बालक चला गया, कृष्ण थे गोवर्धन पे चढ़े भगवान, मुरली लिए हाथ में उन्होंने और मुरली बजाना शुरू किया ऐसे खड़े होकर। तो जिस पत्थर पे खड़े हैं वो मुरली की ध्वनि से पत्थर पिघलने लगा, पत्थर पूरी तरह पिघला, पिघलने से क्या होता है पैर के निशान बने। जब मुरली बज रही थी तो गाय भाग भाग के आई और उसने भी पैर दिया उस पत्थर पर, उसके भी निशान आए। जो गाय चराने की लंगूटी है वो नीचे कमर पे लटका कर, वो भी उसके भी निशान बने, ऐसे बहुत चिन्ह बने। फिर ठाकुर जी ने मुरली बजाना बंद कर दिया तो पिघलना बंद हो गया। फिर पिघली हुई शिला को उठाया बालक ने, फिर बालक को धारण किया, फिर भाग भाग के गोस्वामी के पीछे गए, बोले महाराज जी ये शिला ले लो, इसकी 4 बार परिक्रमा करो फिर आपकी परिक्रमा पूरी हो जाएगी। लेकिन महाराज जी कहाँ रुक रहे, वो तो चल ही रहे। वो शिला लेकर ठाकुर जी पूरी परिक्रमा किए गोस्वामी जी को बनाते बनाते, गोस्वामी ने परिक्रमा पूरी की और ठाकुर जी उस शिला को लेकर परिक्रमा कर रहे हैं गोस्वामी के साथ। फिर परिक्रमा पूरी हुई कहाँ पर, चक्रेश्वर महादेव उनके भजन कुटी के पास। फिर बालक ने वो शिला जो अपने घर पे रखी, बोले महाराज अभी चलता हूं मैं, तो बालक चला गया। तो गोस्वामी जी रात को सो गए, रात को सपने में वही बालक आया, तो बालक ने दर्शन दिया कि मैं गिरिधारी गोपाल हूं, आपने जिंदगी भर बहुत परिक्रमा दी, मेरे आपको आज्ञा है अभी आप ये परिक्रमा करना बंद करो, वो कल शिला जो दी थी वो मैं ही था, तो मेरी इच्छा है कि तुम्हारी कुटी में बैठकर 4 बार इसकी प्रदक्षिणा करो, पूरी 40 किलोमीटर की परिक्रमा करने का लाभ मिलेगा आपको। जब भगवान का दर्शन किया तो मान गए, उसके आगे परिक्रमा नहीं दिया उन्होंने, घर में ही परिक्रमा थी।
वृद्धावस्था में चार को यथावकाश, उनका ऐसा नियम था बहुत पहले से जब से वृंदावन में छोड़कर गोवर्धन में आए थे, हर पूर्णिमा को वो गोवर्धन की परिक्रमा करते थे, लेकिन अकेले नहीं करते थे, पूर्णिमा के दिन सभी लोगों के साथ करते थे, ब्रजवासियों के साथ हर रोज स्वयं अकेले करते थे, लेकिन पूर्णमासी के दिन सारे ब्रजवासी बुजुर्ग से लेकर औरत आदमी बच्चा सब उनके साथ परिक्रमा 40 किलोमीटर से, ये उनका नियम था। तो जब गुरु पूर्णिमा आई तो गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा का दिन है ना, आषाढ़ पूर्णिमा का दिन, इज दैट राइट? एकादशी के बाद वाले जो आते हैं ना आषाढ़ एकादशी के बाद में पूर्णिमा, वो व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, गुरु पूर्णिमा के रूप में। तो उस दिन सब लोग पहुंचे एक साल में, बहुत साल के बाद परिक्रमा करने के लिए आ गए, सब इकट्ठा हो गए। तो एक व्यक्ति नेता आगे गए, महाराज जी चलना है परिक्रमा में, तो ध्यानस्थ बैठे, ठीक है ध्यान में लगे, वेट करेंगे हम लोग। एक घंटा वेट किया, फिर पुकारा, महाराज जी चलना है ना परिक्रमा में, तो ध्यान में बैठे। तो बहुत घंटे बीत गए, मध्यान्ह हो गई दोपहर में, तो किसी ने कहा जाके महाराज जी को जगाओ, आप ऐसे उठाओ हमारी परिक्रमा पूरी कैसे होगी। तो जैसे ही वो आदमी अंदर गया, तो महाराज जी को हिलाया तो धाड़ करके नीचे गिरे, यानी वो अपने देह को त्याग चुके थे। तो उस दिन सारे ब्रजवासियों के हृदय में इतनी दर्द की लहर उठी, सब लोग फूट फूट कर रोने लगे। परिक्रमा का नियम था, उन्होंने सनातन गोस्वामी के शरीर को क्या कहते हैं उसको, वो अंत्येष्टि का होता है ना, वो अंत्येष्टि में उनको लिया, चार कंधों पर चार लोगों ने उठाया और पूरी 40 किलोमीटर की परिक्रमा। आज भी गुरु पूर्णिमा के दिन सारे ब्रजवासी एकत्र होकर सनातन गोस्वामी की प्रतिमा लेकर पूरे गोवर्धन की परिक्रमा। उस समय जब इनका शरीर समाप्त हो गया तो रूप गोस्वामी भी चले गए थे, सनातन गोस्वामी चले गए, तो गौड़ीय संप्रदाय के वारसदार जीव गोस्वामी, तो धरोहर के रूप में अपने चाचा की जो प्रॉपर्टी है वो जीव गोस्वामी के अधिकार में आई, और ये जीव गोस्वामी का मंदिर है राधा दामोदर जी का, इसलिए ये जो शिला जो है ये वही शिला है जिस पर कृष्ण के पैर के निशान है, देखो आप ठीक से है कि नहीं, राइट पैर के निशान है, फिर ये जो आगे दिख रहा है आपको दो, एक गोल में छेद, एक गोल है और एक लाइन है उसके बीच में, है ना, वो गाय के खुर का दर्शन है, तो आगे लंगोटी का दर्शन है, वो तो इतना विस्तार से नहीं हो रहा है, आगे देखिए इसमें देखिए आप एकदम क्लियर कट दिखेगा, है ना, राइट फुट और गोकुल का फुट और सब दर्शन है। तो ये सनातन गोस्वामी को स्वयं भगवान ने दी हुई शिला है। आज भी चार बार दामोदर जी के मंदिर का परिक्रमा करने से गोवर्धन परिक्रमा करने का लाभ, ये देखिए रूप गोस्वामी। अभी दामोदर जी कैसे आए, दामोदर जी का ऐसा इतिहास है कि तीन भाई थे, रूप सनातन और अनुपम। रूप सनातन दोनों सन्यासी बने, अनुपम गृहस्थ थे, उनका विवाह हुआ और जो पुत्र हुआ उसका नाम है जीव, और जीव जो था बालक जीव, इनका दोनों का भतीजा है वो जो चाचा है उनके, लेकिन गुरु समान थे उनके। बचपन में कृष्ण बलराम के विग्रहों को गोद में लेकर ये बालक सोता था, एवरी डे दिन भर पूजा करते थे उनकी और रात को गोद में लेकर वो सोते थे। जब बड़े हुए तो अपना घर छोड़कर, पिताजी का देहांत हुआ तो घर छोड़कर अपने चाचाओं के पास में आए वृंदावन में। तो रूप गोस्वामी ने देखा कि मेरे पास तो गोविंद जी का विग्रह है, बड़े भाई के पास नर्मदा मोदन मोहन जी का विग्रह है, तो ये बालक हमारा जो भतीजा है बड़ा लालायित रहता है, उनके नजरों से पता चलता है कि इसको भी एक विग्रह चाहिए, है ना, जैसे हमको पता चला ना हमको बालक, हम लोग अपनी पूजा करते हैं तो बालक भी चाहता है कि मेरे भी एक छोटी सी मूर्ति हो, मेरे भी छोटा सा ऑल्टर हो, और जो हम करते तो वो भी करते रहता है। तो ये जीव गोस्वामी के मन की बात जानकर रूप गोस्वामी ने इच्छा की कि मैं इनके लिए विग्रह बनाऊं। जैसे इच्छा की ना, राधा रानी स्वप्न में आई रूप गोस्वामी, और स्वप्न में राधा रानी ने रूप गोस्वामी को पत्थर से मूर्ति बनाने की कला सिखाई। रूप गोस्वामी को मूर्तिकार नहीं थे, वो तो भक्त हैं, भगवान संत हैं, उन्होंने मूर्ति बनाने का कोई कला नहीं सीखी थी, लेकिन अपने भतीजे की प्रामाणिक इच्छा पूर्ण करने का जो उद्देश्य इनका देखा राधा रानी ने, तो राधा रानी ने स्वप्न में आकर उनको मूर्ति बनाने की कला सिखाई। उस कला को सीख कर रूप गोस्वामी ने पत्थर से
दामोदर जी का विग्रह बनाया और अपने भतीजे को भेंट दिया। तब रूप गोस्वामी की इसी मंदिर में निवास करते थे, क्यों? क्योंकि रूप गोस्वामी का जो मंदिर था, गोविंद जी प्रकट हो चुके थे, उसकी लंबी लंबी कहानी, लेकिन प्रकट हो चुके थे जब उसका रघुनाथ भट्ट के शिष्य मान सिंह अकबर के सेनापति आए, जो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे, अपने गुरुजी को कहा कि मैं गोविंद जी को सेवा करना चाहता हूँ। तब रघु गोस्वामी ने रघुनाथ भट्ट को गोविंद जी की सेवा दी थी। तो रघुनाथ भट्ट ने कहा, हम तो सन्यासी, हमको कोई सेवा की जरूरत नहीं, लेकिन हमारे गोविंद जी पेड़ के नीचे रहते, टील पर रहते हैं, उनके लिए मंदिर बनाओ, हमारी पर रघु गोस्वामी भजन करते थे। तो जब वो कंस्ट्रक्शन साइट बन गया तो रघु गोस्वामी अपने भतीजे के मंदिर में चले गए और वहीं पर उन्होंने भजन किया। इसलिए दामोदर जी के मंदिर में रूप गोस्वामी के भजन कुटी हुई है और वहीं पर उन्होंने ये मूर्ति बनाई और जीव जी को भेंट दी और वहीं रहे वो। जब उनका देहांत हुआ उन्होंने ब्रज में भ्रमण भी किया है, नंदगांव में चेरकदम में निवास किया उन्होंने, काफी जगह उनका निवास स्थान है। लेकिन वापस लौटकर जब उनका देहांत हुआ तो उनको समाधि दान दिया गया उनके भजन कुटी के सामने दामोदर मंदिर के प्रांगण में। तो आमने सामने है, ये रूप गोस्वामी का भजन कुटी है, सॉरी ये जीव गोस्वामी का है, एक मिनट आपको दिखाता हूँ, ये जीव गोस्वामी की समाधि है उन मंदिर के पीछे है और आगे दिखाता हूँ, कहाँ मिस हो गया ये, समाधि का क्वेश्चन, हाँ देखो समाधि ये तो आगे पीछे हो गया है, ये रूप गोस्वामी की समाधि है, उसके सामने रूप गोस्वामी के भजन कुटी है, ये देखिए भजन कुटी और समाधि, बहुत पुरानी पिक्चर है 86 और ये रूप गोस्वामी का विग्रह समाधि में विराजमान किया गया। रूप गोस्वामी एकदम ही वॉज लुकिंग लाइक अ फॉरिनर, बहुत बहुत गौर वर्ण के थे, उनकी नीली नीली आंखें थी, बहुत सुंदर थे, अजानो भाव थे रूप गोस्वामी जी, और ये हमारे गुरुदेव रघुनाथ स्वामी उनका दर्शन कर रहे हैं रूप गोस्वामी की समाधि का। और ये रूप गोस्वामी का हस्ताक्षर है बंगाली में, कुछ कुछ उनके हस्तलिखित वहां पर मंदिर में अभी भी उपस्थित है, मोतियों जैसे अक्षर थे उनके। और ये अभी आगे बताता हूँ आपको, ये प्रभुपाद जी हमारे वहां पर जब आए वृंदावन में तो वो राधा वंशी गोपाल मंदिर में रहते थे किसी घाट पर, तो वहां से उनको निर्मल चंद्र गोस्वामी राधा दामोदर जी के उन्होंने प्रेम से बुलाया कि हमारे मंदिर में रहो, तभी वो बहुत युवा अवस्था में थे, प्रभुपाद जी भी वैसे ज्यादा बूढ़े नहीं थे, 63 इयर्स के थे। तो राधा वंशी गोपाल मंदिर से दामोदर मंदिर में आए, दो कमरे उनको किराए से दिए गए ₹5 भाड़े, एक उनका रसोई घर जो समाधि के सामने था और एक बाजू में उनका लिखने की जगह, सोने की और लिखने की जगह। अब देखिए आगे आपको खत्म, ये जो लिखने की जगह दिख रहे हैं ये और सोने की जगह एक ही जगह है प्रभुपाद जी की कमरा, यहाँ पर वो दिन भर खाना पीना प्यास भूख निद्रा भूख भूल कर श्रीमद् भागवत का अनुवाद लिखा करते, और ये उनके भोजन की सड़ी थी, वो खिड़की से रूप गोस्वामी के समाधि का दर्शन करते करते चिंतन करते करते भोजन किया, और ये उनके रहने का कमरा है, अभी उनको फोटो लगा दिया, मूर्ति लगा दी। और जब उन्होंने प्रथम स्कंद को श्रीमद् भागवत के 3 खंडों में अनुवादित किया, उसके बाद रूप गोस्वामी ने उनको दर्शन दिया, रूप गोस्वामी और सारे आचार्य प्रभुपाद के गुरु तक सब लोग वहां प्रकट हो गए, भक्ति विनोद जी और किशोर जी, भक्तिनाथ ठाकुर जी, जगन्नाथ बाबा जी महाराज, सारे आचार्य रूप गोस्वामी तक प्रकट हुए, 6 गोस्वामी प्रकट हुए, और रूप गोस्वामी प्रकट होकर उनको आदेश देते हैं कि आप जाओ अमेरिका जाओ वहां प्रचार, ये प्रभुपाद जी ने स्वयं बताया अपने शिष्यों। इस प्रकार से राधानाथ महाराज जी अभी 2019 में हम लोग गए थे दर्शन करने के लिए, और ये पुराना पिक्चर है जो प्रभुपाद जी सब रहा करते। तो ये जो पूरी इस्कॉन संस्था है जिसके आज 700 से ऊपर मंदिर बनाए गए हैं, उसकी पूरी संकल्पना जो है, पूरा मेडिटेशन जो है, चिंतन जो है, इस जगह पर किया, कैसे प्रचार करना है मुझे आकर, कहाँ जाना है, क्या करना है, इसलिए तैयारी की गई वहां पर, भागवत के प्रथम स्कंद के 3 खंड में अनुवाद किए गए, उसके कई कॉपीज बनाई गई, एक एक बनाकर भिक्षा मांगकर उन्होंने धन इकट्ठा किया, उसको प्रिंट करवाया, कॉपीज बनवाई,
फिर बोट में लोड किया उन्होंने और फिर बोट से वो अमेरिका चले। तो हमारी आज हम लोग जो भी आनंद ले रहे हैं इस्कॉन में, भक्ति का जो भी आनंद ले रहे हैं, तो सबकी संकल्पना, सबका बीज जो है राधा दामोदर मंदिर है। इसलिए इट इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ प्रीचिंग ऑफ ऑल द यूनिवर्स, सेंटर ऑफ प्रीचिंग, हब ऑफ प्रीचिंग कहते हैं। तो ये दामोदर जी भगवान है। तो और एक बार दर्शन करता दिखाता हूँ, परिक्रमा मंदिर की दिखाता हूँ। जब परिक्रमा चार बार करने से गोवर्धन की परिक्रमा करने का लाभ प्राप्त तो होता है, तो परिक्रमा में भी बहुत बहुत अद्भुत अद्भुत स्थान है, वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए ये परिक्रमा में एक स्थान है जो हमारे प्रभुपाद जी के गुरु महाराज की पुष्प समाधि इस परिक्रमा के रास्ते पे आती है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती की पुष्प समाधि। फिर ये देखिए थोड़ा दूर से आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको पास से दिखा रहा हूँ, ये दूर से दिखा रहा। फिर जयदेव गोस्वामी की समाधि भी इसी जयदेव गोस्वामी के विग्रह भी इस मंदिर में, जिन्होंने गीत गोविंद का लेखन किया, ये परिक्रमा रास्ता है। सभी संतों की समाधियां है, हमारे परम गुरुदेव की भी समाधि इसमें, और ये जीव गोस्वामी की समाधि भी इसी मंदिर में है। जीव गोस्वामी का ध्यान होने के बाद में उनका भी शरीर यहाँ पर रखा गया, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी की पुष्प समाधि भी इसी मंदिर में है, जीव गोस्वामी के मंदिर के समाधि के बाजू में। इसके बाजू में समाधि दिख रहे हैं आपको, वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी की पूरी शिला है। और राधा दामोदर भगवान की, राधा वृंदावन चंद्र भगवान की, राधा माधव भगवान की, राधा शैल चिकनिया की, गिरिधारी भगवान की जय। जय श्री राधे। एक 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 निवेदन करूंगा मैं, मैंने कल आपको सबको बताया था कि हमारा भक्ति वेदांत आंखों का अस्पताल जो है वो वर्षा में भी बन रहा है। तो जिन लोगों को इसमें सेवा करने की इच्छा है, वो डब्बा बनाया क्या आपको? हाँ, तो डब्बा वहां पर बना दिया गया है। आपकी जो भी श्रद्धा हो, छोटी मोटी बड़ी जो भी है, किसी ने आकर मुझे यहाँ पर भी आज दान दिया है, आपका सारा प्रेम भरा दान जो है वो ब्रजवासियों के नेत्रदान के लिए उसका उपयोग किया जाएगा। तो आज भी आपको सुविधा है, आज नहीं लाए होंगे तो आप कल ला सकते हो, डब्बा वहीं रहेगा और आपकी सेवा कण कण के रूप में वहां पर पहुंचाई जाएगी। अस्पताल बनेगा, लोगों को, ब्रजवासियों को, गरीबों को नेत्रदान का लाभ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी लोगों देखिए, आप लोग ये साक्षात्कार कर रहे हैं कि वर्तमान काल में जो महाभागवत विशिष्ट संत हुए और उन्होंने वृंदावन निवास किया है, वृंदावन का महिमा का प्रकाश किया है, उनका वर्णन अपने सुन लोगों वृंदावन जी का गुरुदेव है, उन्होंने ज्ञान मिली आपको धन्यवाद। और लोगों से अभी मैं जूम बंद करने जा रहा हूँ, बाकी है तो कल और शनिवार Zoom link अभी मैं बंद करने जा रहा हूँ। थैंक यू, कल मिलेंगे फिर। कभी जी, कभी जी।